तो मैं वो नहीं सुनता जो पॉडकास्टर पॉडकास्ट होते हैं ना, वो मेरी मतलब दुखी करते हैं वो लोग मुझे एकदम। कौन? उसका काफी लोग है कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो ये सोच रही है कि हाउ डज गौरव स्टे फिट और समथिंग, पर सारे लड़के ये सोच रहे हैं कि मैं भी ये कर सकता हूँ। अरे मुझे क्या लगता है सब दुनिया में हर कोई फनी है, जो इतना 10 साल स्टेज पे चले जाएगा अपने आप निकाल लेगा। हाउ डू डील विद नेगेटिविटी? लाइक आई थिंक यू आई ब्लॉक। आई थिंक आई एम नेचुरली गुड पॉडकास्टर। एक तो कपड़े मेरे को तो समझ नहीं आता, हमारे ब्रांड का कलर है हरा पहन लो लाल पहन लो। अरे पागल है क्या यार, कंटेंट पे ध्यान देना यार। सुना मैं मैनफोर्स की बात कर रहा इतना काम, इतना कंडोम तो मैंने यूज नहीं करा जितना जितना मैंने मैनफोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव दैट यू गेव अ डिस्क्लेमर टुडे मॉर्निंग ऑन आवर व्हाट्सएप चैट, ये मत पूछना कि पैसे कितने कमाते हो। हां यार, लाइक एवरी दिस एंटरप्रेन्योर पॉडकास्ट आई सी दिस एनीवन, लाइक शमानी का मैंने कल परसों देखा कुछ, तो सेम सवाल सबसे क्यों हो रहा है। लाइक आई फाइंड इट आई डोंट नो, सबके अंदर एक वो है ना, बुआ बड़ी मम्मी ताई है सबके अंदर, सबको वही जानना है कितना मुंडा कितना कमाता है, वो वाला सीन है। बट आई फाइंड इट वी आर वेरी वियर्ड यार, समझ रहे मेरे पापा ने मेरी अपनी सैलरी मेरे को आज तक नहीं बताई। yeah. तो यार मैं ऐसे कैसे इंटरनेट पे सब लोग खुले में बता बदतमीजों की तरह बोल रहे हैं। पीपल आर वेरी क्यूरियस एंड आई थिंक so that's what they say, right? कि लोग बोलते हैं कि envy is the biggest motivator. Okay. कि if you feel jealous of someone, then it motivates you to try to be like that person. Like अगर आप प्लेन में जा रहे हो, for example, simple example, you are crossing business class and going towards economy. You think in your head कि यार, I wish I was like that or I wish I had so much money to afford a business, and that motivates you to earn money or do well at your job and kind of hopefully graduate to the front of the. I don't know. मुझे तो लगता है साला ये फुद्दू मुंबई दिल्ली मुंबई का 40,000 देके जा रहा है। दिल्ली मुंबई लाइक 7,000 यूज क्रॉस बिजनेस क्लाइंट्स 25,000-30,000-40,000 बट आई थिंक पीपल आर गेटिंग अ लॉट मोर। अरे ये कुछ नहीं है, ये वाला सवाल तो गलत ही है यार, कितना कमाते हो इज नॉट, इट्स नेवर अ मोटिवेटर फॉर एनीवन, इट्स जस्ट वो रिच लिस्ट होती है, सीईओस की सैलरीज पब्लिक होती है, तो पीपल नो कि अगर मैं सीईओ बनूंगा तो मेरा, मगर एंटरप्रेन्योर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, बट इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो बेंचमार्क, पीपल हैव नो आईडिया, एंड बिकॉज़ इफ पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट देयर करियर्स कि मैं मेरी नौकरी छोड़ के ये करना चाह रहा हूं, then they don't know what the best case situation could be or what even a benchmark is. Yeah, that's why that's the motivation. But I agree, it's a very crass question. So yeah. we don't do that. But I do want to talk to you about our art. And I remember seeing you the first time. Okay. When you we have started, right? Sorry. Yeah, we have started. Okay. There is no. Hi, welcome to podcast. Nothing. Raise up another. I remember seeing your. I don't know which set it was, but when you explained Chabutra to your crowd, was it one of your early sets? Yeah, like long initial. In fact, it was my first video. It was my second video, but then I deleted the first video because it didn't do well. So it was like. Practically, it's the first video now. So Ladakh pe bullet wala, yeah, I know. And I love that piece. And then I came to your channel, and then you know, after that, I saw your show right now on 14th of September with the whole family. I think, first of all, my entire family is extremely excited about this conversation. Yeah, thank you. Going to go meet Gaurav, and they were all there at that show. But tell us about your journey and the art of comedy, because I think. A lot, and you said this on the 14th September show also, I don't know if you remember, कि यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो ये सोच रही हैं कि how does Gaurav stay fit or something, but सारे लड़के ये सोच रहे हैं कि मैं भी ये कर सकता हूँ। अच्छा वो वाला एक जो गया, I know. But you're right, I think a lot of people trivialize your art, not realizing how difficult it is to write, script and perform consistently. But talk about your process and how you started. हाउ यू स्टार्टेड, तो वही पहले आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ना इट वॉज नेवर अ डिफिकल्ट थिंग फॉर मी, बिकॉज वी डोंट, वैन यू डू इट यू डोंट थिंक ना इट इज डिफिकल्ट एंड आई एम डूइंग दिस आर्ट, यू जस्ट डू इट बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड बिकॉज आई डिडंट हैव मच टू डू इन मुंबई एंड आई वेंट टू एन ओपन माइक एंड एवरीवन डिड रियली बैड ओवर देयर, सो आई वाज आल्सो लाइक ये तो मैं भी कर लूंगा, तो देन आई वेंट ऑन स्टेज, लाइक फिर मेरे ऑफिस में कुछ तो इवेंट हुआ, आई वॉज विद पैंटालूंस, लाइक यू नो मर्चेंडाइजिंग में था मैं, तो मेरे ऑफिस में बड़ा इवेंट हुआ, स्पोर्ट्स इवेंट 2.5 महीने का, तो उसके ऊपर एक क्लोजिंग सेरेमनी में एवरीवन, आई वाज लाइक द फनी गाय ऑफ द ऑफिस वैसे, तो दे वर लाइक यू वांट टू डू समथिंग, मैंने कहा ओके आई विल डू, तो 10 मिनट का मैंने पूरा सेट प्रिपेयर करके मैंने फर्स्ट जो स्टेज अपीयरेंस करी थी वो 1,000-1,200 लोगों के सामने करी थी, तो आई वॉज शिवरिंग, कांप रहा था मैं, पर वो जोक्स बहुत किल हो रहे थे क्योंकि वो बहुत लोकली रिलेटेबल जोक्स थे उन लोगों के बारे में, तो बहुत अच्छा गया, तो फिर मेरी वाइफ जो है, यू आर नेचुरली अ फनी पर्सन, मतलब आई गेस आई डोंट नो विद योर स्कूल फ्रेंड, या मतलब शुरू से यही चल रहा है ना वो होता है ना डिफेंस मैकेनिज्म वाला सीन पूरा, तो फिर मैंने मुंबई में ओपन माइक्स, मेरी वाइफ ने बोला कर ओपन माइक वगैरह, तो फिर वो ओपन माइक देखने गया वो गंदा हुआ, फिर मैंने वहां पे किसी का नंबर लिया,
Then I started in Mumbai. फिर वो How long back was this? कब कब? 2015, 29th March और 29th April was my first open mic. अरे वाह. हाँ. तो फिर वो ऐसे try करते करते first day अच्छा नहीं हुआ obviously. Second day it was better. Third day it was better. Fourth day and over the period वो बनते बनते 5 मिनट 10 मिनट पहले बहुत process था comedy comedian बनने का ना. एक canvas laugh club था वो बंद हो गया. उसका owner भाग गया पैसे लेके कई लोग. तो ये तो भी बता दो क्या time was. कुछ नहीं बिगड़ पाया वो गया. तो वो वहाँ फीनिक्स पर था ना. फीनिक्स पर एटीएम में आया आया. तो दैट गाय डिफॉल्टेड अ लॉट. तो बट देयर वाज अ गुड प्रोसेस ओवर देयर कि यू डू 5 मिनट्स ओपन माइक. इफ यू विन ओपन माइक देन यू गेट 5 मिनट स्पॉट इन सम बिग शो. सम कॉमेडियन शो हु इज डूइंग 30 मिनट्स यू विल ओपन फॉर दैट. या आई विल ओपन फॉर दैट पर्सन. इफ आई एम डूइंग वेल ओवर देयर देन देयर यूज्ड टू बी फ्रेश फेसेस करके होता था जिसमें 10-10 मिनट के 6 एक्ट होते थे. एक घंटे का शो होता था. इफ यू डू वेल ओवर देयर देन एक 20 मिनट का स्पॉट आपको मिलता था. लाइक क्लियर प्रमोशन है ना. हां ये प्रमोशन होता रहता था समझ रहे हो. 20 मिनट एंड देन व्हेन यू डू गुड 20 मिनट देन इट इज 30 मिनट्स बिकॉज़ नो वन ऑफ अस वर ऑन YouTube एट दैट पॉइंट ना. 15-16 में नहीं थे कोई YouTube पे. करेक्ट. तो फिर वो 30 मिनट व्हेन यू डू इन कैनवस देन यू आर अ कॉमेडियन. यू आर अ लेजिट कॉमेडियन. तो लकीली मेरा वो 30 मिनट 7 महीने में ही आ गया था. ओह रियली. या या. तो नॉर्मली इट वुड टेक सबको बहुत टाइम लगता था. मेरा वो और इसका मेन रीजन ही था मुंबई में. आई वाज द ओनली. आई वाज इन मुंबई. हां. सो आई वाज द ओनली वन डूइंग हिंदी कॉमेडी लाइक फुल ऑन हार्डकोर जो मैं करता हूं ना यही वाली. उधर उस टाइम सब इंग्लिश करते थे. तो आई वाज इन मुंबई फ्रॉम 11 टू 16. अच्छा. हां हां. आई सॉ रोहन जोशी. हां हां. तो इन लोगों के लिए मैंने ओपन करा हुआ है. जय तन्मय के लिए नहीं करा. कि तुमने तन्मय के लिए नहीं करा. रोहन जोशी के लिए करा हुआ है मैंने. कई लोगों के लिए बहुत टाइम. तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. फिर वो फिर जाकिर वेंट वायरल इन आई थिंक 16-17. फिर हिंदी कॉमेडी बननी शुरू हो गई. और फिर एंड YouTube. हां YouTube ऑब्वियसली. एंड देन हां फिर 17-18 मैंने वीडियो डाल दिया. फिर चलते 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 हो गया बस. बट एट व्हाट पॉइंट डिड इट बिकम full time clear that you will you can leave your job and do this full time. So I started in 2015 March and I think in 17 August 26 I left my job. क्योंकि मेरा आई हैड इनफ सेविंग्स. एक तो मैं बहुत ही सेफ खेलता हूँ. मेरा वो नहीं है कि भैया नौकरी वोकरी कोई देख रहा है भैया नौकरी छोड़ के मत शुरू करना प्लीज. नौकरी करते रहो ये आप शाम को भी कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है. तो when I had enough savings to survive in Mumbai for a year. मतलब मेरे पास इतना पैसा था कि मैं अपना रेंट दे पाऊँ बेसिक खाना खा पाऊँ शो पे जा पाऊँ. करेक्ट. प्लस मेरी वाइफ की सैलरी अच्छी खासी थी. हाँ. तो जब मेरी शादी होगी तो मैंने छोड़ दिया कि ये तो चला ही लेगी. That's a good thing. Yeah, yeah. And then once you did not have, see, converting it from a lot of people who are in the creation world struggle with going from hobby to full time because yeah. when it's hobby वो हम सोचते ही मैं कैसे बताऊँ आपको. वो कभी था ही नहीं थॉट कि ये हॉबी है या मेरे को करनी है. वो बस मजा आता था करने में. वी वर नेवर इन दिस फॉर मनी इनिशियली. नोबडी वॉज हेयर इन दिस फॉर्म. इनफैक्ट अभी भी अगर मान लो आज बंद हो जाए कॉमेडी इन जनरल पैसा मिलना बंद हो जाए इसमें. हाँ. तो भी हम शाम में जाके करेंगे. मतलब यू विल स्टिल गो समवेयर. यू विल फाइंड एन ओपन माइक. यू विल डू 10 मिनट्स 20 मिनट्स. यू विल नॉट लीव. यू कांट लीव इट. वैसे वाला होता है कोई भी ना. ये तो मजे के लिए करते हैं ना. हाँ. ये तो पैसा तो वो नहीं तो पैसा कॉन्सिक्वेंशियल होता है. करेक्ट. ओवर द पीरियड आ जाता है. Correct. तो ये मेरे को कभी लगा ही नहीं कि इससे पैसा बनाना है या मेरी हॉबी है. आई वाज आई लाइक थ्रू आउट द डे आई वाज इन ऑफिस एंड एट द एंड माय ऑफिस वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव. मैं बीच में गोली देके चले जाता था. हां बोलता था क्या काम करते थे आप बैंगलोर में. मैं मर्चेंडाइजिंग में था. ओके व्हिच इज व्हाट लाइक यू वुड मैथ्स रिटेल मैथ्स बेसिकली लाइक स्टॉक पे माल पे स्टोर पे कितना माल मंगाना है बाइंग कितनी इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऐसे. इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो आप बोलते हो वो प्लानिंग ओपन टू बाय वगैरह होता है अपने. हां है ना. अभी तो बहुत है लाइक हमारी कंपनी तो भी डीमार्ट रिलायंस इवन नाउ विद क्विक कॉमर्स एंड ऑल लॉट ऑफ आवर. आपको तो बहुत एआई बेस्ड हो गया ना. हमारा बहुत मैनुअल. सो व्हेन इन अभी भी मैं पता नहीं मेरे को छोड़े 7-8 साल हो गए पर अब हमारा तो बहुत मैनुअल काम होता था ना. बिकॉज़ इट इज बिकॉज़ फैशन इन्वॉल्व हो जाता है ना जहां तो बहुत वहां पे बहुत मैनुअल काम होता है. स्टॉक कीपिंग यूनिट बहुत ज्यादा है. या तो इसकी एसकेयू तो फिर उसके बाद जब मैं फुल टाइम स्टार्ट करा तो मजा आ रहा था स्टार्टिंग में. तो क्योंकि स्ट्रगल ही था ना. मैं बॉस को बोल के आया था भाई 6 महीने में मैं आ सकता हूँ वापस पहले उतार हूँ. कह रहा है कर ले ट्राई जो करना है. पर वो चलते चलते 6 का 7-8-10 फिर लकीली वीडियोस चल गए थोड़े बहुत. आना काम शुरू हो गया. फिर अमेजोन आ गया. फिर कोविड आ गया. कोविड मैंने व्लॉग शुरू कर दिया तो व्लॉग डिड वेल. ये सब ये वाज दिस थॉटफुली डन की कंटेंट स्ट्रेटजी है या फिर यू वर जस्ट काइंड ऑफ following what customers was or viewers were saying ki yahan pe jana hai like how are you listening to your viewers how are you able to get because I think a big part of yeah comedy music any performing yeah. art is
you get feedback from your viewers like real time. People, yeah. And then you use that laughter to make yourself better. Yes. So how did you do that? मुझे पता है यहाँ पे मेरे को यही जोक करने पड़ेंगे देन यू आर पैंडरिंग अदरवाइज यू आर नॉट हमारा तो ऐसा कि यू राइट योर ओन स्टफ देन यू ट्राई एंड इवेंचुअली इट विल रिलेट टू पीपल और इट इज सम वियर्ड थॉट और इट इज सम स्टोरी दैट दे हैवंट थॉट अबाउट और If it is a relatable story, they can't go to the exaggeration of that story. तो हम तो अपने मन से लिखते हैं वो फिर over the period audience को पसंद आना शुरू हो जाता है and obviously we also understand now कि कौन से joke जल्दी चल जाएंगे कौन से नहीं चलेंगे but you don't personally we don't write unless it is a brand work. For example my own set we don't think at all कि अब ये joke के बाद मैं ये करूँगा तो audience मेरे को अच्छा response देगी. Got it. वो ऐसा होता है कि मैं करता हूँ और फिर वो you obviously tweak it if you don't get a good laugh then you tweak the thought you tweak the words but yeah. thought आप same रखते हो तो thought तो वो सोच के नहीं कर सकते ना वरना फिर वो चलेगा नहीं वो फिर audience बहुत smart है वो एक मिनट में catch कर लेते हैं and have you bombed like अरे ever always अब तो नहीं होती bombing वैसे क्योंकि अभी अपना ही show में कर रहा हूँ दो तीन साल से तो और solo show it's easier format क्योंकि people have seen your work they buy tickets they are coming in good mood in general तो अब नहीं होती पर पहले होती थी बहुत ज्यादा और अभी भी ओपन माइक्स वगैरह करते तो बॉम्ब नायक मटेरियल में तो करते ही हो बॉम्ब वो तो हमेशा इज इट एन ईगो ब्रूजिंग बॉम्बिंग नहीं यार ओवर द पीरियड ना आप एकदम हो जाते हो कि क्या यार नहीं चल रहा ठीक है कल चला लूंगा तो उससे कॉन्फिडेंस हिट होता अभी नहीं होता अभी तो नहीं होता फिलहाल क्योंकि मैंने एक्चुअली ना मेरे दो ढाई साल में लिखा कम है मतलब पहले मैं बहुत तेज लिखता था मैं साल भर में एक एक घंटा लिखता था अभी मैंने शायद पिछले दो साल में आधा घंटा नया टाइप लिखा है तो पर अब मैं बहुत सारा कंटेंट में रिलीज करने के जोन में ही हूँ मेरा करंट सेटअप मैं निकाल दूंगा पूरा अगले 6-8 महीने में तो ऑब्वियसली आई हैव टू राइट हाउ व्हाट्स योर राइटिंग प्रोसेस हाउ डू यू हाउ लाइक इज इट ऑब्जर्वेशनल टेल मी लाइक आई थिंक इट्स इवन विद केनी फॉर एग्जांपल ही हैज अ वेग आईडिया बट देन ही बिकम्स अ लॉट शार्पर हाउ डू यू काइंड ऑफ बिल्ड अ सेट लाइक हाउ डू यू बिल्ड अ 1 आवर सेट और अ हाफ एन आवर सेट तो राइटिंग अलग होती है जैसे एक तो अपनी सेट की राइटिंग होती है दैट इज डिफरेंट उसमें तो फिर यू हैव एन आईडिया then you go and throw the idea. I don't know, उस दिन मैंने एक अपना stock market वाला joke करा था कि नहीं करा था. It is one bit on stock market that I'm doing, जो कि अभी बहुत 4-5 line का है, पर वो 5-4 line बड़े huge laughs मिलते हैं मेरे को. Okay. So I know this topic has potential. So then now I'll delve deep into it, अपनी stories डालूंगा इसके अंदर, अपने दोस्तों की stories डालूंगा. और फिर उसको धीरे धीरे करके वो over the period साल डेढ़ साल लगेगा वो पूरा 15 मिनट का सेट बनने में. जैसे आज 4 line try करी 1.5 मिनट है वो अभी. कल मैं जाऊंगा मैं महीने भर से 1.5-2 मिनट का स्टॉक मार्केट बिट करता हूँ मेरा अच्छा चल रहा है. अभी 2-4 दिन पहले मैंने फिर उसमें 2 line नहीं ऐड कर ली तो सही चलेगी. देन दैट गेट्स एडेड. देन फिर किसी से बातचीत करते हुए कोई नया एंगल मिल जाएगा. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. जैसे मेरे को एक पूरा सेट अगर कंप्लीट सेट करने में कई बार 6-8 महीना साल डेढ़ साल भी चले जाता है. जैसे 15-20 मिनट का 30 मिनट का सेट बनाने में. अब रील देखो तो रील तो ऐसा होता है कुछ भी थॉट आया जल्दी जल्दी 5 जोक मारो खत्म करो. रील्स इज इजी लाइक सोशल मीडिया कंटेंट इज इजी इजियर स्पेशली द 1 मिनट कंटेंट इज इजियर. सेट बनने में इट टेक्स टाइम. इट्स अ फुल प्रोसेस. यू हैव टू लाइक यू कांट राइट 15 मिनट सेट इन 1 नाइट और इन 10 नाइट्स और इन अ मंथ. And is it spiky कि एक रात में बहुत काम हो गया फिर उसके बाद 3-4 महीने हाँ होता है कई बार तो एक सीधा ट्राई करने जाओ आपको 4 मिनट का सीधा जोक कर दिया आपने तर तर किल हो गया फिर उसका 3 महीने कोई नया थॉट ही नहीं आता उस पर आप उसको इम्प्रूव कैसे करते हो तो आपने कर दिया जोक तो आपके दिमाग में रहता है यू कीप वाचिंग और सेट नहीं नहीं हाँ तो ऑडियो से हम ले लेते हैं पर अब थोड़ा मैं लेजी हो गया हूँ तो नहीं लेता याद रहता है कि हाँ ये चल गया था 4 लाइनें फिर देन यू गो ट्राई इट अगेन देन यू चेंज द वर्ड्स थोड़ा वो उसका वो कर देते हो फ्लो आगे पीछे कर लेते हो कि कौन सा बेटर जोक है उसको बाद में ले आओ कौन सा जो क्लोजिंग बन सकता है उसको बाद में ले आओ इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी तो वो ट्वीकिंग होती रहती है पर ऐसा होता है कई बार एक दिन में आपका 4 मिनट बन जाएगा और फिर आपका 6 महीना कुछ भी उस पर नहीं आएगा फिर सडनली 2 मिनट आ जाएगा मतलब मेरा कोई लॉट ऑफ कॉमेडियंस दे हैव अ राइटिंग प्रोसेस करेक्ट दे सिट डाउन एंड दे राइट फुल सेट्स लाइक वो लिखते हैं वो वाला प्रोसेस नहीं तो 15 पन्ने लिखोगे तो एक तो अच्छा निकल ही आएगा करेक्ट तो मेरा वो वाला नहीं है क्योंकि ऑन करें अभी You're more mental and like instinctive. नहीं, instinctive तो होता ही है पर लिखना तो. The way you talk about it, it's very mathematical. You're very clear about the process. It's not like you make it sound easy, but it's not. पता नहीं मेरे को तो कभी दिया. हमने नहीं सोचा ना यार. कि 4 मिनट like I take 1 hour for this much time, 4 lines work, then we'll build on it, then there are 5 angles, then we'll build on it some more, etc. It's a building process.
आई थिंक आई एम अ नेचुरली गुड पॉडकास्टर, इसीलिए लग रहा है, वरना ऐसा कुछ नहीं है. कई बार तो मेरे बेस्ट जोक स्टेज पे जाने से पहले आया है, कई बार मेरे जोक्स होते हैं लोग कहते हैं क्या गंदा कर रहा है, मैं रुक चला के दिखाता हूँ. तो ऐसा होता है, हमें भी नहीं पता होता. मतलब मेरा बहुत ही नॉन प्रोसेस ओरिएंटेड है, तो आई मे नॉट बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर राइटिंग प्रोसेस. But there could be people who can give you like proper key how they write and everything. So you're right. I think like if I were to make the analogy with sports, for example, there are people who play their sport with a lot of instinct. Yeah. And they feel like it is God given. Yeah. Sehwag, for example. Yeah, मेरे मन में भी आया कि उनका तो foot movement कम थी और hand आये ज़्यादा strong. But उसपे हाँ तो coordination तो था ही, but there was a lot of practice and riyaz that goes into because otherwise he would not be where he is. Yeah. So there is practice in the process, but the process is not very clear. Because it is not a step-by-step process, it is not easy to articulate it. अरे मुझे क्या लगता है सब दुनिया में हर कोई फनी है, जो इतना 10 साल स्टेज पे चले जाएगा अपने आप निकाल लेगा. हमारा वो है ना, like you go on stage every day, every day, like आप कितना ही खराब कर लोगे, एक दिन तो ठीक करोगे ना. Correct. तो वो वाला जोन होता है. So when you go on stage day after day after day after day, तो फिर वो डर खत्म हो जाता है कि क्या होगा, गंदा ही चले जाएगा ना, ये नहीं हंसेंगे. And now we have 10 jokes on that also. Correct. If the joke doesn't work. Correct. So it's a safe game now. Personally, I feel. I think that's the thing. Once you practice it, but it's been a long time. Yeah, yeah, it's been a long time. Almost 10 years. 10 years doing this? Yeah. Ho jayega, agle saal ho jayega. Abhi 9 saal ho gaya. Even Kenny, for example, he said something interesting. He said, I went viral in 2014 or 15 for the first time. And thank God, I was about to give up at that time. Yeah. But thank God, I went viral late. Yeah. Because when I went viral, people came onto my YouTube channel and there were like 100 videos for them to see already. Yeah, yeah. Otherwise, some people go viral prematurely and then audience does not know. Like they're not able to use that virality fully. Yeah. So having a body of work, having like number of years in it also is important. Yeah, matlab, I don't know. How did vlogging start? Wo kaise, like, was it just a way to kill time? Did you feel like... अरे कोविड में कुछ काम दाम करने को था नहीं. मैं स्टोरी डालता था तो स्टोरी में खूब लोग हंसते थे. तो मेरे कॉमेडियंस दोस्त बता रहे थे व्लॉग कर व्लॉग कर. फिर मैंने देखा वो सब भाई व्लॉग तो दबा के चल रहे हैं, तनेजा पनेजा सब कर रहे थे अंधाधुन व्लॉग. तनेजा कौन? गौरव तनेजा नहीं है, है व्लॉगर है. हाँ. तो ऐसे सब एक वो मुंबई कर निकल क्या है ये कैमरा लेके कुछ भी कर रहे हैं. मैं भी करूंगा ये. तो आई डिड, प्लस आई हैड लाइक थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी थी ना पुरानी, तो आई जस्ट पोस्टेड ऑन माय स्टैंड अप चैनल कि इफ आई गेट 1000 व्यूअर्स बाय द इवनिंग आई स्टार्ट व्लॉगिंग. ओ भाई वो 2-3 हज़ार हो गए शाम तक. नया चैनल बनाया मैंने. तो फिर देन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग. सो इनिशियली इट वाज फन, कोविड में पूरा करता था मैं, खूब मजा आता था. फिर जब कोविड खत्म हो गया तो शो स्टार्ट हो गया, तो भी हमने कंटिन्यू करा बहुत टाइम तक, 3-4 साल से कर रहे हैं, पर अभी एकदम ही ऑलमोस्ट कम कर दिया है. एंड मे बी इन नेक्स्ट 5-6 months आई विल शट इट. डू यू रीड कमेंट्स ऑन योर YouTube वीडियो एटसेट्रा, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट? हाँ, मेरे तो जितने आते हैं मैं सारे पढ़ लेता हूँ. क्योंकि आते ही 7-8 सब पढ़ लेते हैं यार. जब 20,000 कमेंट आए तो बंदा ना पढ़े, जब आ रही है यार तो 1000 तो दिख जाते हैं. बट हाउ डू डील विद नेगेटिविटी? लाइक आई थिंक यूट्यूब, आई ब्लॉक. आई एम नॉट हियर फॉर फीडबैक, आई एम ओनली हियर फॉर पॉजिटिविटी. यार आप फीडबैक लेके किसी का क्या ही चेंज हो गया? जब मैं किसी को फीडबैक दूँ वो चेंज नहीं हो सकता, तो मैं किसी की फीडबैक से चेंज नहीं होगा ना. तो कोई ज्यादा गंदा बोलता है, जैसे कोई अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दे रहा तो मैं छोड़ देता हूँ कि हाँ ठीक है भाई तूने कुछ सोचा, तूने देखा, तूने बताया. कोई कई लोग सीधा रैंडम गाली गुली देते तो मैं सीधा जाता हूँ ब्लॉक. मेरा तो यही है मैकेनिज्म. Taking out their angst on social a lot more. There's a lot more people who are just there to like spit vitriol. ऐसा लगता है आपको क्या? पहले भी चुगली लोग करते ही थे, अब ये मिल गया है सोशल मीडिया तो लिखो गाली अंधाधुन क्या है. शेकी बॉय 23 के नाम से जो मर्जी. हाँ, जो भी लिखो तो पड़ती है गाली. तो आप थिक स्किन हो ही जाओगे कर करके बेशरम बन जाते हो आप. तो कई वीडियो तो मुझे पता होता है मैं गाली खाऊंगा इसमें, डाल यार देखी जाएगी. What is your what does life look like? What does a day in your life look like today or a month? If you're on tour, I can imagine it being like kind of back to back. But how much of the year are you on tour? How much of the year are you here? How much of the time do you want to be alone to start working on your material? Like describe your life. मतलब ऐसा तो मैं टूर पे ही रहता हूँ मैं मोस्टली. तो मतलब मेरा वो नहीं है कि आई डोंट अनाउंस टूर एंड देन आई डू 3 months ऑफ नॉन स्टॉप वर्क. आई जस्ट वर्क ऑन सैटरडे संडे एंड ऑब्वियसली कॉर्पोरेट प्राइवेट वगैरह शोज मैं किसी भी दिन कर देता हूँ. पर सैटरडे संडे टूर मैं थ्रू आउट द ईयर करता ही रहता हूँ. फिर जैन से मार्च छोड़ देता हूँ यूजली. ओके. पर जैन से मार्च में इतने कॉलेज वाले शोज आ जाते हैं तो फिर वो एक्चुअली छूटा हुआ लगता नहीं है. तो अदरवाइज इफ आई एम नॉट वर्किंग देन आई देन व्हाट एल्स देन आई एवरी. मैंने कॉल सेंटर में इसका आंसर दिया था जब मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था. एक्सप्लेन योर डे, वो आपके वो चेक करते थे ताकि आपको वो वगैरह वो सही आ रहे. सो आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 6 AM.
बाकी दिन में कुछ नहीं करता यार भाई, मैं बहुत टाइम पास करता हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत एकदम मतलब ना मेरा एजेंडा जिंदगी में कम रहता है। You seem to read a lot. Huh? You are like really is a very heavy reading in your house. Hey, मेरी बीवी की है। मेरा कुछ नहीं है। हम भाई उसमें बाप नहाने गए थे, जब हम लोग बोलते हैं यार comedians। नहीं नहीं इसमें से एक किताब नहीं पढ़ी भाई मैंने। मैं तो ये लेके आया था बकचोदी में। कनन गिल में। कहूँ आपको रुको। ये देखो मैं सीआर पार्क गया था एक बार वो मोमोज खाने, तो ये बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी लेके मैंने ऐसी बकचोदी बकचोदी में किताब ले ली थी, ये पढ़ी भी नहीं है मैंने आज तक। मैंने ये सब मेरी वाइफ पढ़ती है सब ना। कनन वाली तो मैंने इसलिए ली थी कि कमेडियन है सपोर्ट करते हैं भाई अपना भाई है। फिर मैंने पढ़ी है वो समझ नहीं आई, 10 मिनट में पढ़ा सॉरी कनन। मैंने खरीद लिया मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। क्या एक्ट ऑफ गॉड है ना उसकी, उसने पता नहीं अलग से लिखी है यार वो थोड़ा। आपने पढ़ी है? नहीं इन्होंने पढ़ी है, लेकिन पढ़ी तुमने पूरी किताब पढ़ ली? समझ आई तुम्हें? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, ऐसे बीच में छूटे जा रहा था मेरा पता नहीं। फिर तो मैंने सॉरी मतलब अच्छी है, बेस्ट सेलर है क्या? नहीं पर मैं पढ़ नहीं पाया, मैंने तो इसलिए ली भाई कमेडियन ने। उधर मैंने इतने बुक शेल्फ पे देखी पड़ी कि यार कनन की बुक यार क्यों नहीं लेंगे यार कमेडियन है। फिर मैं ले गया और यार बहुत हो रहा है ये तो, इंग्लिश इंग्लिश भी नहीं उसका, वो थोड़ा अलग ह्यूमर है ना, तो आई लाइक हिज वीडियोस। I should love him and Biswa in that pretentious movie. Have you seen that? Yeah, long ago. So we like we were there. Biswa se main first time mila, main usko bhaiya bolta tha. हाँ. फिर अब तो मैं गाली देता हूँ. Who are your who do you learn from? How do you improve yourself? How do you hone your craft? Because जितने भी ऊंचे लोग हैं, for example, if I look at Ustad Zakir Hussain's interviews, for example. Yeah. I used to learn the tabla as a child. Yeah. I look up to him a lot. I don't think when you reach that level, ki there is anything more to learn. Okay, okay. But वो भी बोलते हैं कि वो जो 20 tabla player है दुनिया में किससे क्या सीख रहे हैं. And I find it amazing that he is learning from others also. Yeah, yeah. So for you, like for example, how do you become better at your craft? Who do you learn from? How do you kind of keep sharpening it, keep getting better? What's the improvement process? यार improvement होता है आपको ना थोड़ा, मतलब मेरे को जो personally मेरा है कि आपको with time evolve करना पड़ता है. You can't be doing same thing throughout your life. Like अगर आप मेरे 10 साल पुराने जोक देखोगे तो बहुत ज़्यादा observational होते थे. अभी भी करता हूँ मैं observation. अभी मैं थोड़ा story की तरफ घुस गया हूँ. Story plus observation करता हूँ. और फिर ओवर द पीरियड शायद कुछ और ट्राई करूंगा, शायद इंग्लिश ट्राई करूंगा, शायद वियर्ड जैसे बिस्वा के मेरे को बड़ा मस्त लगता है. तो उस टाइप का कुछ बिस्वा का क्या है अजीब सा थॉट होता है और उसमें कुछ तो बोलता है, एक्ट आउट करता है, बढ़िया मस्त लगता है मुझे वो. तो ऐसा है पता नहीं, आई डोंट नो हाउ विल आई लर्न फर्दर. एनी इंटरनेशनल लाइक इंग्लिश कॉमेडियंस लाइक अमेरिकन यूरोपियन? या या वी वॉच अ लॉट ऑफ देम बट आई डोंट वॉच मेनी. आई वॉच बिल बर अ लॉट, आई लव हिम. पर बिल्बर के भी ऐसा है कि 4 स्पेशल में से 2 अच्छे हैं, मतलब पर्सनली. एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कमेडियन स्टार्ट अभी तो नहीं देखा मैंने इतना, पर जब नया नया जब इंग्लिश और मुंबई वाला सीन स्ट्रॉन्ग था ना, तो एवरी टाइम एन इंग्लिश कमेडियन यूज्ड टू ड्रॉप अ स्पेशल दे वर लाइक ओह मैन आई लव्ड इट फकिंग क्रेजी स्टफ ब्रो. तो मैं भाई ठीक है देखते हैं, इतना क्रेजी स्टफ चल रहा है, मैं तो नया ही नहीं था, 4-5 साल हो गए देखो. और मेरे को नहीं चमकता था, मतलब पता नहीं शायद रेफरेंसेस समझ नहीं आते थे या मेरे को वो वाली कॉमेडी हिट नहीं करती थी. तो बिल्बर आई लव्ड, मतलब उसके कुछ कुछ बिट्स थे तो आई लव्ड. वो थोड़ा जीनियस बटा जीनियस तो है, थोड़ा बदतमीज भी है ना वो. मतलब मेरे को वो पसंद आता कि बकचोद लोग ना थोड़े वैसे वाले, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. फिर उसका एक पेपर टाइगर स्पेशल है जो कि मैंने और मेरा दोस्त है विनय शर्मा, वही कॉमेडियन है, हमने आप लगा लो हम दारू पी के वही देखते हैं, मतलब इतना भी नहीं पर 5-6 बार हम देख चुके हैं. या तो हम दारू पी के वो लोग देखते हैं बिल्बर वगैरह, या फिर वो सब कॉमेडियन की अपने दोस्तों की वीडियो देखते हैं जो बहुत गंदे हैं. इसका ये वाला लगा गंदा वाला बिल्बर का, वो मेरे को याद है वंस वेयर ही स्पोक अबाउट ही पिक्ड अप इन द यूएस. तो बहुत ही वोक जगह हो गई अभी, राइट? हां तो वो कल लोग ही लंका लगाई थी वो. हां उसने एक 5 मिनट का सेट किया है, आई डोंट नो व्हेदर यू सीन, यू मस्ट हैव सीन इट, थिंकिंग अबाउट हिटिंग अ वुमन. नो नॉट दैट वन, बट यू आर राइट, इट्स ऑन द सेम लाइंस. इट्स द वन अराउंड why women athletes don't earn as much as male athletes. Yeah, वो टाइटैनिक वाला एग्जांपल देता ना जिसमें, because नहीं एथलीट्स का नहीं था, I think this was like it was on pay parity only. हाँ. Because in an event of natural calamity, you guys will go off and I mean, we'll be left. But he talks about he beautifully explains as to why women athletes don't make as much money as male athletes, because women are not watching women athletes. Yeah. Because women are watching Kardashians and House of New York. तो वो देखोगे तो how will you expect women? Name 5 WNBA teams. And he basically you could hear the crowd. Goes. There was some woke people in the crowd doing boo and all. And he just took it head on. Yeah. And I found that. बोलते हैं रो हँसता भी तो है ना.
वो बोलता भी पहले व्हाई इज इट दैट आई एम द ओनली वन हु हैज ऑब्जर्व्ड दिस इन दिस रूम. बहुत अच्छा बिट्स है उसका, तो वो मेरा फेवरेट ही है. पर अगेन उसका फिर एक और स्पेशल आया बाद में, उसके बाद आई थिंक वॉक योर वे आउट, वो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया ऐसे ही थोड़ा सा. तो कॉमेडी प्रोसेस तो यही है, लाइक वन ईयर मे बी यू आर लाइक यू हैव वेरी गुड वन आवर, वन ईयर यू माइट नॉट हैव वन आवर. पर इंडिया में चलता है, बहुत पॉपुलेशन है. बट फॉर एग्जांपल इवन बिलबर्ट टॉक्स अबाउट लुई सीके, फॉर आई डोंट नो इफ यू हैव सीन लुई. या या देखा थोड़ा बहुत देखा, पर मेरे को हां देखा है थोड़ा बहुत. सो लुई सीके आई डोंट नो, आई फील कि always came across as an extremely casual comedian. Yeah, yeah. कि वो जो बोल रहा है, he's winging it. Yeah, yeah. He's just a naturally funny guy. So you're able to kind of, but then they showed it the same joke in four different occasions. It's the same. So even the casualness is fully prepared. हाँ वो तो होता ही, हमें ही पता होता है कई बार. आप भी ऐसे करते हैं? और जैसे मैं वो चबूतरा वर्ड था ना, तो मैं वो चबूतरा बोलता तभी उस पे लाफ आता था, बड़ा लाफ. अगर मैं कुछ और वर्ड बोलूंगा, स्लैब व्लैब वो सब नहीं आएगा. तो कई जोक्स होते हैं जो मैं एक एक्ट आउट से करता हूँ, तो तभी उस पे लाफ आते हैं. एंड यू लाइक ऑब्वियसली यू आर नॉट, यू डोंट थिंक अबाउट इट, बट सिंस यू डू इट 10 टाइम्स 20 टाइम्स यू नो कि टुडे इट वर्क्ड बेटर, सो व्हाट आई डिड डिफरेंट, सो देन यू कीप दैट विद यू एंड यू लीव रेस्ट ऑफ द 19 टाइम्स. So you keep it, then you take that to next shows, then you build it even further. So, हाँ होता है. Who are the young ones who are watching in India coming up? Some of the younger comedians. Do you mentor people? Do you talk to them about you know how to how? नहीं नहीं ये सब नहीं होता हमारे. हम क्यों बनाए अपना competition? नहीं नहीं बिल्कुल competition नहीं है यार. अब सब everyone finds their own audience. तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास जैसे किसी और की audience उसको छोड़के मेरे पास आ गई या मेरी किसी और जैसे हमारे में नहीं होता है क्योंकि इट्स इंडिया का ह्यूज प्लेस. अभी कितने लोगों स्टैंड अप देखी है, तो एवरीवन बिल्ड्स देयर ओन ऑडियंस ओवर द पीरियड. तो आई तो फील कि इफ दे बिल्ड ऑडियंसेस देन दैट ऑडियंस विल कम टू माय शो आल्सो, विल कम टू योर शो, दे विल गो टू अदर शो. आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव बिल्डिंग ऑफ अ मार्केट. करेक्ट करेक्ट. जैसे अभी ऐसे लेटेंट इतना वायरल हो रखा है, हां तो मेरे को लग रहा है इन जनरल उससे कॉमेडी ऑडियंस बढ़ जाएगी. करेक्ट है ना. जब मैं कैसे बताऊं, जब जाकिर वायरल हुआ या कोई वायरल, कोई भी किसी का भी कोई भी वीडियो फटता है, तो कॉमेडी जैसे हम भी अपने शो करते हैं, तो यू आस्क हाउ मेनी पीपल वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, देयर आर एटलीस्ट 70% पीपल वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो वो 70% लोग हर किसी शो में अब मे बी वन ईयर टू ईयर डाउन द लाइन दे विल गो फॉर अनदर शो आल्सो. तो अभी तो बढ़ रहा है, तो ऐसे कॉम्पिटिशन कुछ नहीं है. बुक माई शो का मैं देख रहा था, बुक माई शो में नाउ कॉमेडीज इज अ डिफरेंट मूवीज, इट्स ऑलमोस्ट कैचिंग अप इन टर्म्स ऑफ टिकट सेल्स. तो टिकट सेल तो मुझे लग रहा है मूवी को पीछे ही छोड़ देंगे. अगर मूवी का क्या है, एक मूवी आती है अंधा भेज देती है वो अक्रॉस, उसको इतनी मूवी है ना, मूवी एक बंदे की मूवी हजार जगह चला दो. करेक्ट. मेरे को तो अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी. करेक्ट. तो एक दिन में कितने ही लोग मेरा शो देख सकते हैं. करेक्ट. इंडिया में मतलब वेन्यू है ही नहीं इतने. मैक्सिमम सबसे बड़ा जो मैंने सुना है जो वेन्यू वेन्यू है वो 2500 का वो है, ईशान मुखानंदा है. हाँ. तो एक टाइम पे 2500 लोग आपको देख रहे हैं. दिन में दो कर दिए आपने, 5000 कर दिए. करेक्ट. उससे ऊपर आप क्या ही कर लोगे, 5000 के दो स्टेडियम कर लोगे, 10000 कर लोगे, विच इज ऑल्सो नॉट अ बिग नंबर. Correct, but US for example, Madison Square Garden, Kevin Hart is like filling it up. People like so. Do you think that'll happen in India? Like where we start looking? हाँ हो जाएगा. I think कोई तो बेच ही देगा इधर भी. जवाहरलाल नेहरू 50,000 ना बिक सकता है. जैसे पहले तो लगता 200 भी कैसे बिकेगा, करते करते आगे 2,500 पे. तो पता नहीं कोई ना कोई बेच ही देगा. Do you see a lot of people coming into comedy because they think it's easy to do? नहीं, I see a lot of people. दोनों मेट्रो के डब्बे के बीच बैठ के वो जल पल वाला आई, पल याद आएंगे पल गाते थे. तो वो है कॉमेडी फिलहाल, तो सब लोग आ रहे हैं. पर यार करना मुश्किल हो गया अब थोड़ा ना, क्योंकि अब क्या है ना, सारे फर्स्ट थॉट खत्म हो चुके दुनिया से. वैसे पहले तो इंडिया में इसलिए चलती थी, इट वॉज लॉट ऑफ पीपल गॉट फर्स्ट मूवर एडवांटेज बिकॉज देर वॉज नथिंग टू सी. सो देन यू सी दिस, देन यू लाइक ओ दिस इज सो गुड. बट नाउ पीपल हैव सीन वैरायटी ऑफ कॉमेडीज, दे हैव सीन इंटरनेशनल स्पेशल्स, दे हैव सीन 50 इंडियन कॉमेडियंस. सो नाउ द न्यू गाइज हु कम ना, दे हैव टू डू समथिंग न्यू. करेक्ट. अभी आप बेसिक ऑब्जर्वेशन, मम्मी डैडी वाली ऑब्जर्वेशन के साथ कि मैं मिडिल क्लास हूँ और वो वाली ऑब्जर्वेशन ना चलनी इन जनरल कम हो गई है. मतलब चल जाती होंगी कॉर्पोरेट ऑर्बिट शो में, पब्लिक प्राइवेट शो में, पब्लिक मनी प्राइवेट शो में, पर वो ऑब्जर्वेशंस खत्म हो गई. सो नाउ इफ यू हैव टू ब्रेक इनटू कॉमेडी, यू हैव टू बी एक्चुअली वेरी डिफरेंट. सो यू वर टॉकिंग अबाउट, आई मिस दैट क्वेश्चन, सम न्यू गाय. आई यस्टरडे आई सॉ दिस गाय शामिक चक्रवर्ती फ्रॉम बैंगलोर, लाइक टू गुड. उसको मैं पहले जानता हूँ 6 साल से, मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था वो. पर मैंने कल उसके कौन सा देखा आपने उसका? उसके मैंने 5-6 सारे देख लिए, पूरी रील्स लाइन से देख ली. फिर मैं उसका स्टैंड अप भी देखा नहीं है. मेरे दोस्त कह रहा था भाई 20 मिनट का 11 मिनट तो गोल्ड है स्टार्टिंग.
तो बहुत अच्छा लगा मेरे को यार, ये तो गंदा था, ये तो अच्छा बन गया. पर वो भी प्रोसेस ही होता है, लाइक बिकॉज एट दैट टाइम आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कॉमेडी, राइट? सो आई कुड नॉट रिलेट. नाउ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड ही हैज चेंज्ड हिज वर्ड्स, ही हैज बिकम मच मोर कंफर्टेबल ऑन स्टेज. करेक्ट. So it's too good. So new guy Shamik is the guy that I like. There's Amit Tiwari that I like. Yeah. And kar rahe hain kai log. One, my mom and I have started like really enjoying this comedian. Even I spoke to Kenny about him also. His name is Tarang Hardikar. Have you seen him? Tarang Hardikar, haan. He's a super awkward guy. Haan, my nails. But beautiful, like. It is so, his comedy is very well written. हाँ मैंने देखा है, अच्छी है. अभी मेरे पे हिट नहीं होती, मैंने उसको सारी रील देखी, कुछ कुछ रील्स आई लाइक, बट नॉट एवरी रील आई लाइक. एक तो इंग्लिश, एक तो वैसे भी फॉर अस, आई डोंट नो, फॉर आई डोंट नो, इट्स अ यू नीड एक्स्ट्रा थॉट टू अंडरस्टैंड दैट. लाइक कैसे बताऊँ, सबकॉन्शियसली यू नीड कि अब मैं इसमें ह्यूमर समझूँ. तो मेरे को शामिक में वो लगा, वो हट गया एकदम, मतलब आई एम ईजिली गेटिंग रिलेटेबल हो गया. हाँ शामिक उसका भी अच्छा है, हार्डिकर का. कौन सा उसकी वो वियर्ड वाली है ना, उसकी थोड़ी इंग्लिश टाइप कॉमेडी है, लाइक इंग्लिश कॉमेडियंस, आई हैव सीन इंग्लिश कॉमेडियंस डूइंग दैट काइंड ऑफ फॉर्मेट, बट इज वेरी ऑकवर्ड. आई थिंक दिस इज हिज. अरे वो मैंने उसको ऑकवर्ड कर दिया था एक बार, अभी की बात नहीं, वो 10 साल से कर रहा है, 6-8 साल से. वो एक बार मेरे घर आया था मुंबई में, वो और समय आए थे एकदम जब ओपन माइक करते थे ये लोग, तो समय लेके आया था हार्डिकर को. तो आया, उसके नाखून इतने बड़े बड़े गंदे, मैंने कहा ये पहले नाखून काट गया, ये सब क्या कर रहे तू. उससे मेरे नाखून कटवाए थे घर, मैंने कहा भाई नाखून काट दू पहले. बड़ा अलग है उसका. But I haven't seen much of his work, so I can't. I've not seen a full set. Yeah, I've seen small. Again reels only ना, so I've seen 2-3 reels. But अभी मेरे को इतना नहीं चमका. But शामिक चमक गया. But I hope over the period, वो पता नहीं होता ना, आपको 6 साल बाद कौन सा suddenly पसंद आ जाए. Correct. किसका कौन सा set पसंद आ जाए. Correct. And then there is a whole mainstream comedy, right? Like there used to be Raju Srivastava and all of these guys who were like Kapil Sharma, for example, has been an OG mainstream comedian for a long time. Therefore, they're very hard to do. वो तो मुश्किल है इतने सारे लोगों को एक बारी में आजाना, इतने सारे लोगों को इतने इतने टाइम के लिए. हाँ, सस्टेनेबल होना मुश्किल है एक्चुअली कॉमेडी में ना. और मेन इशू पता क्या है, सस्टेनेबिलिटी इशू है, कि आप एक साल फनी हो लो, दो साल फनी हो लो, फिर आप एक्सपोज हो जाओगे तीसरे से चौथे साल में. मैक्सिमम कॉमेडियंस दे गेट एक्सपोज इन थर्ड ईयर, लाइक इफ यू आर अ फैन ऑफ कॉमेडी यू अंडरस्टैंड व्हाट जोक इज कमिंग. तो अभी जो फनीएस्ट कॉमेडियंस है हमें नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि मैं तो रोजी, हम लोग तो रोजी वही कर रहे हैं ना, तो आपको एक्सपो पता चल जाएगा अभी क्या करने वाला है, अगर वो बंदा अपना फॉर्मेट चेंज नहीं करेगा तो. तो इसलिए मुझे एक कॉमेडियन अच्छा लगता है, विपुल गोयल. मैं हर जगह बोलता हूँ, वो 15 साल से फनी है, पता वो 2010 से कर रहे हैं विपुल, और 2024-25 आ गया. और हर जगह लाइक वेर एवर ही गोज इज लाइक फुल गुड राइटिंग गाय. वो बिल्कुल, मैं तो जैसे फिर भी कुछ जो गाता छोड़ दो बीच में कि हाँ आगे लाफ निकलो, वो भाई अपलॉज के बिना छोड़ता ही नहीं है. So, you do a lot of crowd work also. Is that built over? Again, is that a skill you've built, or is that something that you come when bakchod ho to naturally? यार मैं ना crowd work तो इसलिए शुरू करा mainly क्योंकि करते हैं, क्योंकि कितना कितना एक एक घंटे का content, अब you can't release content regularly, right? Correct. So people say कि crowd work video फिर डाल दिया, crowd video फिर डाल दिया, पर I put out video every month. जैसे मैं साल के 11 video डालता हूँ, stand up 11 video कोई भी नहीं डालता. Like आप किसी का भी, यू वॉच एनी कमेडियंस, आई नॉट नेम, बट दे पुट वन वीडियो इन टू ईयर्स, वन वीडियो इन वन एंड हाफ ईयर्स, एंड पीपल से व्हाट अ क्वालिटी. बट इफ यू पुट एवरी मंथ देन इट इज नॉट पॉसिबल. सो व्हेन यू हैव टू डू रेगुलर कॉन्टेंट, देन यू हैव टू डू क्राउड वर्क. प्लस पीपल हैव ऑल्सो स्टार्ट एन्जॉइंग इट, प्लस आई ऑल्सो एन्जॉय इट नाउ. ऐसे में कोई फोर्सफुल नहीं कर रहा कि मजबूरी में कि हाय अब बात करनी पड़ेगी. तो इट्स अ पार्ट ऑफ, इट्स अ वेरी गुड मसल टू हैव एक्स्ट्रा. कोई गलत नहीं है ना, अगर आपका शो खराब जा रहा है तो क्राउड वर्क बचा देता है उस शो को. मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम क्राउड वर्क के साथ ही शो में घुसो, वो एक वो हो जाता है थोड़ा कि यू कांट डू क्राउड वर्क विद एवरीवन. इफ देयर इज अ बिग ऑडियंस, यू विल टॉक टू 10 पीपल, राइट? लॉट ऑफ पीपल विल रिलेट टू इट, बट देन देयर विल बी अ स्टेज व्हेन पीपल विल आइसोलेट. करेक्ट. मैक्सिमम ऑडियंस विल बी लाइक कि यार हंसी आ रही है, सब हो रहा है, पर व्हाट इज देयर टू टेक होम. तो वांट टू सी अ प्रिपेयर्ड, या प्रिपेयर्ड सेट भी देखने आते हैं. तो और प्लस मैंने तो अपना बिल्ड ही ऐसे करा कि आई डू प्रिपेयर्ड सेट एंड देन आई डू क्राउड वर्क, देन आई डू प्रिपेयर्ड सेट, क्राउड वर्क. तो मेरे 1.5 घंटे का शो अगर होता है 1.25 घंटे का, तो उसमें 45 मिनट प्रिपेयर्ड सेट होता है, 20 मिनट 15-20 मिनट क्राउड वर्क कर लेते हैं. बट सही करते हो आप, लाइक इवन ऑन दैट शो पर्टिकुलरली आई रिमेंबर देयर वाज अ, आई डोंट नो, आई वाज सिटिंग, इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस वे, आई वाज सिटिंग ऑन दिस साइड, राइट साइड, राइट साइड, आपके सेकंड रो में. ओके. ऑन द लेफ्ट कॉर्नर देयर वाज अ ड्रंक लेडी और अ ड्रंक, I don't know. वो कमेंट सा गलत की थी ना, उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ था साथ में. करेक्ट. एंड हाउ आई द क्राउड वाज अपसेट विद हर. या या. बट यू वर सुपर चिल, लाइक यू रियली लाइक ट्रीटेड हर विद डिग्निटी, काइंडनेस. या तो मैं गंदा बोल दूं उसे, वो मेरे से ना होता नहीं है, मैं इंसान भी तो अच्छा हूं ना. आपका शो खराब, आपका शो खराब कर रही थी ना वो. शो तो खराब कर रही थी, पर यार ऐसे ना मेरे को वियर्ड लगता है, मतलब हमारे में ना अभी तक वो वाली सीन आया नहीं है कि किसी को उठवा के बाहर निकलवा दो.
मुझे लगता है यार अब क्या करूँ, पी के आ गई है बेचारी अब और मेरे को पता चल गया ये तो एंजॉय करेगी नहीं. करेक्ट. तो I interacted with her or her boyfriend once or twice and then I just ignored them throughout the set. दो तीन बार मैंने बोला कि ठीक है भाई, मैंने वो बोला था तो भाई अगर आपको इनको बाहर लेके जाना ले जाओ हम आपको रिफंड कर देंगे. This is what we can do maximum. You said that also. People don't realize that you should never be taking on a comedian with a mic in his hand and who does this full time. Everything you try to be smart, you try to be disruptive. Like every, it was very like uncomfortable for the whole for audience के लिए. तो हमें तो work hard to bring the audience back to your set. तो ऐसा होता है ना, लोगों को पता नहीं होता एक्चुअली क्या है. अब आप जो चीज रोज करते हो, अब सडनली आज मैं मान लो शेविंग कंपनी खोल दूं तो मैं थोड़ा अच्छी बना दूंगा. लोगों को अगर मैं करूं तो 10 साल लगेगा ना एक्सपर्टीज आने में. यू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन सेम क्या कहते हो कैटेगरी में, अब या कोई नया लाओ तो आप जल्दी बना लोगे क्योंकि आपको 10 साल से उसका एक्सपीरियंस हो गया. तो हमारा ही वही एक तो हाथ में माइक है तो एलिवेटेड स्टेज है, वो साइकोलॉजिकली एवरीवन इज विद मी अनलेस आई एम एन एसहोल टू द ऑडियंस, राइट. सो वो तो बहुत इजी स्ट्रेटजी होती है किसी को आइसोलेट करना. ऑडियंस को अपनी साइड ले लो और फिर सभी उसके खिलाफ होते हैं. फिर इवन इफ यू डू इजियर जोक, इवन इफ द जोक इज नॉट दैट फनी देन ऑडियंस इज ऑन योर साइड. तो और प्लस ऑडियंस कितने ही कमबैक दे देगी यार. कुल मिला के 10 ही आंसर्स होते हैं सबके पास. मतलब अब हमें सब गाली पड़ चुकी है. तो हर किसी के साथ हुआ था कि एक बार किसी ने उल्टा बोल दिया और वी डिडंट हैव अ कमबैक फॉर दैट, बट देन यू प्रिपेयर्ड द कमबैक. तो नाउ अब कोई कुछ भी बोलता है there is a comeback. There could be, अब हो सकता है कुछ next time ऐसा हो जाए जो ना मिले, कोई नहीं उसके अगली बार मिल जाएगा. हजार लोगों ने तो देखा है. नहीं सही बात है. But tell me about your now that you have made this a living. Yeah. You do corporate shows, you do tours, you do vlogging. So you definitely have income that comes in from social, from corporate. How do you manage it? Or you're like ठीक है जो आ रहा है वो अच्छा है. I don't need more than this. Like God has been kind. Yeah. And I want to keep improving my art, which is what a lot of artists do. Yeah. Which is also why a lot of artists probably don't create that kind of financial value for themselves that their art or their skill, like for example, tabla mein dekho aap, outside of Ustad Zakir Hussain, there's a lot of very skilled tabla players don't make that kind of money because they've just not managed their income streams well enough. Yeah. How do you think about it, or are you like, okay, this is okay, anything above this is bonus, I don't need more than this? नहीं नहीं, इनका मैनेज तो हम करते ही हैं इनकम स्ट्रीम. प्लस मेरे को लगता है जो आपने तबला का एग्जांपल दिया और कॉमेडी का एग्जांपल उसके साथ ले लो तो इट्स अ लॉट ऑफ डिमांड बेस्ड थिंग आल्सो ना. करेक्ट. अब मान लो 10 तबला प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है पर 200 तबला प्लेयर्स है अभी तो सही ना. प्लस सोशल मीडिया इज अ ह्यूज गेम, राइट. करेक्ट. कॉमेडी का फिलहाल ये है कि जितनी डिमांड है सप्लाई उतनी है नहीं. इतनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई ऑफ गुड कॉमिक्स इज नॉट देयर राइट नाउ. सो राइट नाउ ये सब इश्यूज तो हमारे को नहीं आते हैं. इट्स फाइन, इट्स गोइंग वेल. पर ये है कि जिसके जिसका चल रहा है उसके पास उसका तो कुछ भी चल रहा है और जिसका नहीं चल रहा है उसका नहीं चल रहा है. तो इनइक्विटेबल है, इनइक्विटेबल वो वाला है. ऐसा नहीं है कि जैसे कई कॉमेडियंस आर डूइंग इट फॉर 10 इयर्स बट वीडियोस हैवंट डन वेल. So it's still difficult for them. It's not a very video is the main thing, is it? People. यार हाँ, currently तो social media is the thing. India is a very star वाली country है ये. इधर art का इतना कोई मतलब when they come to see you then they realize कि वो fuck हमने 10 मिनट हमने तो एक मिनट की reel देखी थी तो डेढ़ घंटा वहाँ पे बकचोदी कर मतलब बोल सकते हैं. हाँ आप. नहीं अगर entrepreneur वाला. नहीं 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 पूरा बोल रहा हूँ. तो उनको वो नहीं realize होता ये तो डेढ़ घंटा बातें कर गया भाई ये तो हमने सोचा इतना funny then they realize कि कितना लिखा हुआ है वो सब. But eventually they just come because they've seen your video, they like your personality. So India is a very star centric. आप देखोगे कॉमेडी शोज पे लोग नहीं जाते, लोग जैसे गौरव कपूर को देखने आते हैं या लोग तन्मय को देखने जाएंगे या लोग मस्सी को देखने जाएंगे. Correct. या फिर लोग उस्ताद जाकिर हुसैन को करेक्ट देखने जाएंगे. दे आर नॉट हेयर, दे आर ऑब्वियसली हेयर फॉर तबला ऑल्सो. करेक्ट. बट दे मोर वॉन्ट टू सी जाकिर हुसैन द पर्सन. यस, समझ रहे हो. दैट इज इट्स डिफिकल्ट टू एक्चुअली, बट पीपल हु आर एबल टू. So for example, I know a few tabla players who may not be that great. Yeah. But they found a beautiful way to use social media. So they put like very impressive things on social. Yeah, yeah. Secondly, they started teaching. Yeah, yeah. So now their students have become their kind of voices. And then of course they do performances and they collaborate with like the young tabla player collaborating with a very well-known singer. Yeah, yeah. He's very good for the tabla player. So wo uski video dal deta hai, etc. Samajh gaya. Haan, toh aap is tarike se puch rahe ho, now I get the full question. So obviously initially we only used to do live shows. Haan. Then we did social media, YouTube. So there was live shows, then YouTube came into play. Then I did, personally for me, then I did vlogs also. Then vlogs mein thoda brand wagara kaam aa gaya aur thoda revenue udhar se ho gaya. Then I did reels. तो रील्स पे ब्रांड वर्क्स वगैरह आ गए.
और रील से फिर स्टैंड अप बढ़ गया, तो स्टैंड अप थोड़ा बढ़ गया, तो ऑब्वियसली वो फ्लाई व्हील हो जाता है। हाँ, ओवर द पीरियड धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। पर पॉडकास्ट का नहीं सोचा, पॉडकास्ट का यार स्टार्टिंग में सोचा था, फिर मैंने कहा मैं नहीं सुन पाऊंगा यार किसी को इतना। प्लस इट्स मोर ऑफ एन एग्जीक्यूशन गेम ना, माय एग्जीक्यूशन इज नॉट दैट। क्यों ऐसे क्यों बोलते हो यार? नो, यू एग्जीक्यूट व्लॉग्स दैट क्विकली एंड यार, बिकॉज़ व्लॉग्स आई हैव जस्ट दिस, आई डोंट नीड, इट्स नॉट इजी टू एडिट यार, इट्स नॉट इजी टू एडिट। तो वो तो मैंने दे दिया, मतलब मैं पहले खुद करता था पर मैं फिर किसी को दे दिया वैसे। इट्स बट आई थिंक दिस इज अ लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड ना, समझ रहे हो इसमें? जैसे समझ रहे हो, आपने अब मेरे से बात करी, एक तो दूसरे बंदे का एक तो थोड़ा मत कॉमेडियन ईगो आ जाती है कि भाग बहन मेरे को भी आता है तो मैं किस किस से पूछूं फालतू का। तो एक तो इतना ग्रुप में काम करना ना मेरे को वो बहुत हैसल लगता है, फॉलो अप्स एंड लॉट ऑफ दिस वर्क इज एग्जीक्यूशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल वी हैड कॉन्वर्सेशन मे बी अ मंथ अगो, देन यू टॉक, देन आई घोस्टेड फॉर अ वीक, क्या करना है यार? फिर मैंने कहा अरे शांतनु का मैसेज आया था, कॉल मैसेज डाल देता हूँ। तो फिर आपने अभी इन टीम को बुलाया, टीम चार कैमरा लेके कहीं और से पहुंची, आप कहीं और से पहुंचे, घर में पूरा सेटअप लगाया, अब ये समझ लो आप जैसे आपने बताया औरंगाबाद गए, इट्स अ लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन वर्क, करेक्ट? सो दैट्स व्हाई आई डोंट डू इट। आई फॉर एग्जांपल देयर इज आई थिंक समवन लाइक यू, सो आई थिंक पीपल लाइक यू हु ए आर थॉटफुल अबाउट देयर आर्ट एंड बी आर नेचुरली ऑफ स्टेज आल्सो यू आर अ okay very person. fun person to like talk to acha so I think someone like you will be great because I think it will, as my personal opinion, I agree, and maybe execution can be done by someone else also, like we'll have people who do this for you. But for example there is a guy called Andrew Schultz in the US. How is that guy called? Pura hamara desh ke sare youtubers usi ko to copy karte hain, kyun wahi kar raha hai aur kya kar raha hai bhai? Andrew Schultz ne stand up mein wo viral kara hai crowd work, to usko dekh ke to hum sab ne kara hai, but he's pehle thoda karta tha koi ye sab, to crowd work Schultz ka chala ho Andrew, ye to easy format mil gaya bhai तो सब कॉपी करते भाई उसे। इंडिया में आप जो भी कंटेंट बनता देखते हो ना, इट्स लाइक समवेयर और द अदर इट हैज बीन कॉपीड फ्रॉम, like copied या फिर inspired बोलते होंगे, but everyone is like fuck we have like bigger audience than US so we'll use this so format. And then here's a bunch of like Akash Singh है, yeah वो सब उसके, their podcast also so entertaining. हाँ आज flagrant ना, मैं तो पहले खूब देखता था पर अब नहीं देखते, पर उसको तो like he's getting like now political guests he's gotten like Trump ले आया ना वो तो, हाँ JD Vance को भी लाया ना, JD Vance आया क्या उस पे? Trump तो है उसी ना, JD Vance को भी लेके आया शायद, I think showed up on Joe Rogan a couple of times. तो वो तो collapse करता रहता ना, एक बार आप बड़े हो जाओ फिर आप इधर उधर की चीजें करते रहते हो ना ये सब, करेक्ट? तो nepotistic लगता है आपको थोड़ा सा world of creation? nepotistic तो नहीं, मतलब in the sense मेरा तो भाई try करता था, मैं वो करने नहीं देता नहीं मतलब उसको मैंने एक बार ओपनिंग करा, इतना गंदा कर, मैंने कहा साले तू पहले ढंग से सेट बना अपना तब तू करेगा। कि लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कोलैब ओनली विद पीपल हु आर लाइक काइंड ऑफ हैव सर्टेन फॉलोइंग और हु आर लाइक दे वोंट डू इट विद लाइक समवन न्यू। नहीं मैंने करा था आपके साथ नहीं मैं क्या कर रहा हूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, आई डोंट नो होता होगा, मेरे साथ नहीं होता लकीली यार, क्योंकि मैं तो क्लियरली आउटराइट मना करता हूं, मैं नहीं करता ज्यादा क्योंकि मेरे को स्टैंड अप फोकस रखना है। बट हाँ इफ यू व्हेन यू हैव सेड दिस एंड नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ सम कोलैब्स देन आई अंडरस्टैंड कि हाँ सिर्फ फेमस लोग ही कोलैब, जैसे मेरे को आते कई बार बहुत जो फेमस लोग होते हैं उनके मैसेजेस की वी वांट, क्योंकि ना पर वो रेलेवेंट नहीं होते, फॉलोअर तो उसके है 10 मिलियन मैंने देखा, अगर रेलेवेंट क्या है, तो मैंने 6 साल पहले रेलेवेंट दिया था तो मैं भी नहीं करता, करते होंगे पर पीपल आई डोंट नो, I don't do a lot of collab work. Haan. You understand, like collab, like real wheel pe collab. You get people like young upcoming artists, like for example, open for you, and you'll be like, hey, I want to support these three. Like Tanmay, for example, does this, like the amount people talk about him, usne mereko help kiya, is insane. Tanmay Sonu Sood hai kya yaar? Haan, pata nahi, kuch to hai. Even with us, for example, I've invited him twice onto the barber shop. He has come like no commercial discussion, nothing. Bhai, maine bhi nahi kara, maine koi commercial kara kya aapse? Batao pehle kya kara bhai? जब वैसे स्टार्टिंग में जब आप ज्यादा बॉम्बे शेव करते मैंने कहा पैसे लेने चाहिए थे फिर मैंने कहा छोड़ो यार नहीं लेने चाहिए थे कोई बात नहीं 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 हाँ नहीं he's like plus we also respect him a lot because he's everyone सबने सेम बात ही बोली होगी वो हमसे थोड़ा आगे चलता है he's like he knows he understand trends very well he's good with people his social skills are very good execution is very good और वो टक 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 करने वाला बंदा है ऐसे यहाँ तो क्या आधी चीजें तो थॉट में मर जाती हैं वो नहीं किसी ने बोला था ना शार्क टैंक में इंडिया में आइडिया तो 2 रुपए किलो मिलते हैं करेक्ट एक मेन तो एग्जीक्यूशन का गेम होता है तो ही इज द वन हू एग्जीक्यूट्स एंड पर उसने डुबाया भी है क्रिप्टो में जनता को लॉट ऑफ पीपल से दैट दे नेवर लाइक एनी फॉर एग्जांपल सेड दैट
I call up Tanmay. Tanmay whenever you need help. He always picks up the phone. Yeah, yeah. So I find that to be a very cool thing in the ecosystem. Like there is. I'm not a friend of his, but I've met him a couple of times. कुछ ऐसे brand वगैरह करने मिल गए तो वैसे बकचोदी वाली time pass तो होता है हमारा. पर हमें वो लगता है पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है वो है कि हमसे थोड़ा 10 साल आगे सोचता है वो. करेक्ट. समझ रहे हो? जैसे मैं आपसे 10 साल बाद सोचूंगा अरे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या कहीं. तब तक वो कर कुरा के 1000 करोड़ पे बैठा होगा. तू करते रहे तो हाँ लाइक वी लुक अप टू हिम इन अ वे कि ही इज वेरी प्रॉम्प्ट विद एग्जीक्यूशन प्लस ही डज इट. अब वो बाद में उसका देखा जाएगा. Correct. कि फायदा होगा कि नुकसान होगा. करेक्ट. नहीं वो तो लाइक ही इज लाइक लुई सीके टाइप ही है. देयर आर लाइक 10 सोशल चैनल्स. ही इज गेटिंग इनटू एआई, गेटिंग इनटू क्रिप्टो, गेटिंग इनटू कॉमेडी. कॉमेडी नहीं करता बरतन. मैं स्टैंड अप ही डजंट डू. ही डजंट राइट फॉर अदर्स. ही राइट्स एड्स एंड ऑल फॉर. वो क्या लिखेगा किसी और के लिए भाई? अब लोगों को लिखना चाहिए उसके लिए. नहीं वो ही राइट्स एड्स फॉर क्रेड. ये वो एड एजेंसी है ना उसकी अब तो पूरी. वो तो मतलब इट्स अ कॉर्पोरेट It's a corporate structure now, right? Correct. But he doesn't do live shows. I don't think he does live shows anymore. It's not correct. But if we, पर मैंने सुना है, मैंने कभी तन्मय को ज़्यादा live देखा भी नहीं है, पता है? He's the first comedian in 2011. Rohan and Tanmay were the first two comedians I saw in Canvas Laugh in Mumbai. 2011-12 की बात कर रहा हूँ. हाँ, तब तो मेरे को पता नहीं. तब मतलब नाम सुन लिया था. हाँ. पर कभी live नहीं देखा था क्योंकि मैं तो कहीं और रहता था ना मुंबई. तो 2013-11 में गया हूँ शायद. पर वो अभी स्टैंड अप नहीं करता. पर वैसे सही है बंदा. मतलब जितना भी मैं मिला हूँ 3-4 बार 5 बार कॉल वॉल पे बात हुई. इनफैक्ट मैंने तन्मय की कंपनी में जॉब भी अप्लाई करी थी बहुत पहले जब उनकी एक आराम नगर में किसी बंगलों में उनका ऑफिस था. फर्स्ट एआईबी का जब ऑफिस था राइटिंग वाइटिंग के लिए जब वी वर ऑल्सो स्टार्टिंग आउट. फिर मैं गया ऑफिस में. यार मैं नहीं करूंगा. क्यों यार? ये क्रिएटिव लोग ऐसे बैठते निक्कर निक्कर पहन के. मेरे को ऑफिस जाने की आदत है. एकदम साफ सुथरा एसी में ऑफिस है भाई. मेरा पैंटलून बहुत अच्छा खासा पैंटलून यंग वाइब है. पूरा बढ़िया माहौल है. कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चल रहा है. मैं थोड़ा बैठूंगा निक्कर. मैं नहीं जा रहा. बट गॉट बिफोर वी लेट यू गो आई थिंक देयर आर टू थिंग्स आई वांटेड टू आस्क यू. आई हैव अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स वांट टू काइंड ऑफ गेट इनटू द क्रिएशन वर्ल्ड. पीपल वांट टू बिकम क्रिएटर. देन देयर आर लॉट ऑफ लाइक मल्टीपल verticals of creation. Yeah. People are getting into storytelling. Aajkal viewer is also like very impatient. Right? Yeah. Agar 2-3 seconds mein aap usko entertain nahi kar rahe ho, then he'll skip you, right? Yeah. So people are figuring out how to get the hook right, how to get short form right. People are doing. I have now noticed there are now TV series with 1-1 minute episodes. Ek minute ke episodes abhi. 100 episodes people are binge watching ek minute ke. Aisa aa gaya. Haan, abhi. Pagal ho gaya bhai duniya. Mar jayenge bhai sab. So aur kafi log creation mein aa gaye from like 60-year-old housewives whose children are grown up and they don't have who want to show recipes. To of course comedy has become very big, to musicians, of course, etc. But there are a lot of upcoming people who are honing their art just to show it to the world, which is good. But because like you said, right, first mover advantage nahi hai abhi. Social media has been around for a while. Now the algorithm is taking over. What advice would you have for such people who want to actually give their lives to the world of creation, giving up law or CA or consulting or good jobs to do this? What do you, should they do it? And if they are, then how to think about it? Yeah, I think this is not something which you should do after leaving what you're doing. You can do it parallelly with your work also. It's very easy because अब आप दिन में 8-9 घंटे क्रिएटिव बाइंड नहीं होता है किसी का क्योंकि आज मैं ये सोचूंगा, मैं ये बनाऊंगा, मैं ये करूंगा. प्लस जब जेब में पैसा रहता है तो अपने आप क्रिएटिव थॉट्स आते हैं साइड से. नौकरी छोड़ के इसमें घुस जाओगे तो क्रिएटिव थॉट अपने ही बंद हो जाएंगे क्योंकि भूख लगनी स्टार्ट. मतलब एकदम भूख नहीं, बट यू गेट माई पॉइंट, राइट? बिकॉज देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मनी, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मंथ, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मंथ. तो आई थिंक यू शुड डू इट अलॉन्ग विद योर जॉब, व्हाटएवर योर एक्चुअल थिंग यू आर डूइंग, एंड यू कीप डूइंग इट. क्या होता है, लॉट ऑफ पीपल आए नो, कई लोगों ने मेरे सामने ये पॉडकास्ट बहुत लोगों ने ट्राई करे, पीपल जस्ट डोंट कंटिन्यू. दे थिंक कि उनको लगता है व्लॉग बहुत लोगों ने, आप ऑनलाइन देखो ना 300-400 व्यूज वाले हजारों व्लॉगर बैठे हैं. द इशू विद देम इज कि दे स्टार्टेड, दे डिड 10 व्लॉग्स एंड इट डिडंट वर्क आउट. सो यू लीव मोटिवेशन. तो यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट टू कीप डूइंग इट. आप पैसे के लिए करो मत, अपनी खुशी के लिए करो कि मैं अपनी डायरी बना रहा हूँ. करेक्ट. कि मैं अपनी भाई कल को आप चलो आज 30 साल के हो, कल को 50 साल के हो, आपको बच्चा जो भी होगा आप बस बोलो भाई 20 साल में तुमने इतना काम करा, भले व्यूज आए चाहे ना आए. करेक्ट. एंड ओवर द पीरियड समवेयर मे बी ऑडियंस विल फाइंड यू, मे बी एल्गोरिथम सपोर्ट्स यू, पीपल विल फाइंड यू इवेंचुअली इफ यू आर डूइंग गुड वर्क. बट आई डोंट सजेस्ट लिविंग योर मेन प्रोफेशन
एंड जैसे फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ लॉयर्स राइट दे मेक लॉ रील्स एंड लॉ वर्क बट दे आर आल्सो लॉयर्स करेक्ट तो लोग या सो लोग सिर्फ कंटेंट क्रिएशन इन जनरल अब इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते कंटेंट क्रिएशन में क्योंकि आपको कुछ जैसे आपका प्रोफेशन है करेक्ट योर मेन बिजनेस समथिंग एल्स ना 15 साल पहले थोड़ा कोई सीईओ सोचता कि मैं भाई ऑफिस में सब लोग लगे पड़े बॉस का है बॉस तो जी बकचोदी करने गए कहीं और ऐसा थोड़ी ना होता है ऐसे बट यू हैड टू लाइक यू हैड टू यू और नाउ मे बी यू आर एंजॉयिंग इट राइट कल को इसमें कम व्यूज है कुछ भी बट इफ यू एंजॉय इट यू विल डू इट करेक्ट जैसे मेरी वाइफ का उसका ब्रांड है वो भी कुछ उसको तो क्लोथिंग ब्रांड है हाँ. पर वो रोज इस कमरे से निकल के आके रील बनाती है ऐसे कपड़े पहन के उसका मन थोड़ी ना करता है बट तो काम के साथ आप कर लो ये इट विल ऑब्वियसली हेल्प योर ब्रांड और योर वर्क टू ग्रो बट आई डोंट सजेस्ट यू लीव योर वर्क एंड देन यू डू इट ऑब्वियसली व्हेन यू मेक इनफ मनी फ्रॉम हेयर व्हेन यू नो देयर इज अ स्टेबल करियर फॉर नेक्स्ट 1 year 2 year 3 year देन हर कोई वाइज होता है ये कॉल लेने के लिए ना कि अब उधर से कम पैसा आ रहा है इधर से ज्यादा आ रहा है You are actually very sensible about this, which is not the common thing. Most people glamorize or romanticize struggle. No, I hate struggle, man. न्यूयॉर्क के बार्स में मैं 6 लोगों के सामने परफॉर्म करता था ये है वो है बहुत फेलियर कौन बोलता था एंड्रू शेल्फ फॉर एग्जांपल कि मैं बार में 6 लोगों लाइक बी इन द अंडरग्राउंड सीन ऑफ न्यूयॉर्क वहां पे तो कोई देयर नो यू वीडियोस एंड ऑल ना या अंडरग्राउंड ओपन माइक वहां तो मरते रहो 20 साल बेचारे हां तो ही लाइक एंड बट हमने भी करा वैसे वो बार में 6 लोगों के सामने करा बट आप उसके बारे में बोलते नहीं हो बिकॉज़ क्या होता है उसमें कि वी देन assume that struggle is the only way for success yeah. and lot of people is like UPSC for example yeah, yeah. 6-8 saal try karte hain and they are not able to do it they come out at 27-28 yeah, yeah. unemployable 32-33 tak bhi ab to 34 ka age ho gaya jo bhi hai but they are unemployable yeah, yeah. Like, your life has gone past so a lot of times also knowing ki yaar this is not for me or if I have to do it I need to know लोग है अंधाधुन लोग है हर कोई कर रहा है अब भले ही इवन इफ यू आर गुड यू नॉट देयर इज अ हाई चांस यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इवन डिस्पाइट बीइंग गुड राइट तो एक प्लान बी तो आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ प्लान बी बेसिकली करेक्ट The attention economy, you're right. Abhi in comedy, for example, demand is far higher than supply, but in the attention economy, supply is far higher than demand. Attention economy kya hoti hai? Matlab, you and I are both fighting for 30 seconds of the viewer, na? Achha, achha. Like, end of the day, for example, if there's anyone watching, that person is going to be on his phone for 2 hours. Us 2 ghante mein, kaun aa sakta uske phone pe regularly, where he is able to engage or she is able to engage. तभी तो होता है भाई हमारे रील पे व्यू होते हैं मैंने 25 मिलियन फॉलोअर साला 9 लाख बैठ के पड़े तो किन बुद्धि वालों 25 मिलियन ने देखे हट तेरी कौन कितने लोग हैं जो देखे हाँ करके प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं इसका बाकी भी देख लेते हैं वो तो कम होता है ना इट्स लाइक अगर वो 1% भी है ना देन आप जीत गए जिंदगी में वैसा होता है वो 1% भी नहीं है मेरे को लगता है कुछ हैव यू ट्राइड टू फाइंड आउट कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट गेट्स पीपल टू फॉलो वर्सेस व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट गेट्स अ लाइक एंड मूव ऑन या इवन इफ आई डोंट ट्राई टू फाइंड आउट वो बट आई डू इट आई सो आई एम प्रोबब्ली द मोस्ट हाईएस्ट कंटेंट गिवर मतलब मैं निकालता बहुत कंटेंट हूं ना ऑनलाइन वगैरह तो मेरे को तो इन जनरल समझ आ जाता है ये चलेगा ये नहीं चलेगा फॉर एग्जांपल स्टोरीज जब मैं ऑर्गेनिक स्टोरीज डालता हूं कुछ खाने की स्टोरी डाल दी बढ़िया क्लोज अप फोटो लेकर के उस पे ज्यादा रीच आ जाती है तो उसके इमीडिएटली बाद में हे गाइस परफॉर्मिंग नेक्स्ट इन दीस सिटीज कर दो दैट्स योर कॉल टू एक्शन या इंस्टेड ऑफ कि मैं सीधा सिटीज डालूं बट डू दैट आपका वो जो आई डोंट हैव सीन यू डू दैट मोर रिसेंटली वो आपका एक थीम था कि मेरे को ऐसा ही वो क्या खाना चाहिए जिसमें मैदा हो हाँ, जिसमें वो वायरल हुआ मेरा हर साल भगवान एक वायरल चीज दे देते हैं जिससे मेरा अगला साल खिंच जाता है तो जैसे दैट इज आल्सो डिफरेंट कंटेंट काइंड ऑफ दैट्स नॉट अ कॉमेडी कंटेंट राइट इट इज अ कॉमेडी कंटेंट बट इट्स नॉट अ स्टैंड अप कॉमेडी कंटेंट इज व्हाट आई एम सेइंग अगर मैं वो सेम जोक स्टेज पे करूंगा ना ऐसा गंदा टाइम होएंगे नहीं चलेंगे तो मैंने वो क्रैक कर लिया उनको मैं बोलता हूं भेंगा वीडियोस बोलना नहीं इट्स अ वेरी रॉन्ग वर्ड जिसमें मतलब कैमरा यहाँ लगा है पर मैं यहाँ देख के बोलते रहता हूँ कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो हाँ I don't know but that also works for example why do podcasts work podcasts work because the viewer feels that it is a voyeuristic situation हमारी जगहों पे विराजमान हो जाओ
और बिकॉज अपन देख नहीं रहे उसको, he is not under pressure to respond. Okay, yeah, yeah. Unlike for example television, where sometimes you directly talk to the viewer, yeah, yeah. it's high pressure viewing. Okay, okay. This is voyeuristic viewing. जैसे गाने हटा दिए जिंदगी से, okay. तो मेरे को यहाँ से गुड़गांव जाना होता है, मैं सीधा खोलता हूँ किसी को भी 45-50 मिनट का, एक घंटे का, मस्त सुनते सुनते. क्या क्या सुनते हो? हमारा सुना है अब? यार आपको तो अभी जब बात ही तो सुनो, पर रील आने स्टार्ट हो गई थी पहले से ही. एंटरप्रेन्योरशिप के सुनते हैं भाई? निखिल का ही सुना है. निखिल गावत पॉडकास्ट पे व्यू वगैरह है तो मैं वो नहीं सुनता. जो पॉडकास्टर पॉडकास्ट होते हैं ना, वो मेरी मतलब दुखी करते हैं वो लोग मुझे एकदम. कौन? काफी लोग है जो सिर्फ पॉडकास्ट लाइक उनके पॉडकास्ट से फिर लाइक देयर रेवेन्यू इज पॉडकास्ट देयर फॉर यू इट्स नॉट फॉर यू और फॉर निखिल और फॉर एनीवन जो साइड एज अ साइड चीज कर रहा है उसके लिए वो नहीं है. तो देन यू कुड बी ओपन योर चिल योर रिलैक्स्ड. वो फिर कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं. करेक्ट. तो वो फिर मेरे को एंड व्हेन यू कैच इट देन यू आर लाइक क्या यार. प्लस आधे पॉडकास्ट में जो लोग आते हैं मेरे दोस्त ही होते हैं, तो मुझे लगता है झूठा है जो फिर झूठ बोला. मुझे पता होता है यार क्या झूठ बोल रहा है, गोली दे रहा है हमें जिंदगी में, ये मिला हुआ है. कल तो दारू पी के बैठा हुआ था, नाटक चिपका रहा है यहाँ पे. हाउ डू थिंक अबाउट integrating brands into your work? Like, do you feel like it dilutes your work a little bit? No, not at all, bhai. Mera to, bhai, main to bahut brand work karta hu. Main to ekdam hi, I'm like full capitalist person and I support it. Nahi, I integrate, obviously, in my reels, I do a lot of brand work and then we do stand-up videos also. You don't feel like your audience will feel ki, arre, mere ko bech raha hai, like, he's my, like, you don't feel like the audience puts you at a SSL situation? Nahi, maine audience ko aadat dal di apni. उनको पता है ये हरामी आदमी है, बेचेगा 3-4 दिन में कुछ एक सामान, तो वो देख लेते हैं, हाँ चल नेक्स्ट. प्लस मैं ब्रांड वर्क भाई बहुत वैसे करता हूँ कि मतलब मैं उसको ऐसे नहीं लेता कि अब करना पड़ेगा मजबूरी में. सो आई हैव वन फ्रेंड ऑफ माइन, आई हैव लाइक 1-2 कॉमेडियंस, वी राइट विद देम लाइक फुल स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग एंड देन वी डू इट. कि और प्लस उसको इंटीग्रेट हम कई जगह ऐसे ऐसे करते हैं कि बहुत ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन हो जाए. तो कई बार तो मेरे ऑर्गेनिक व्यूज में बता रहा हूँ, मेरे ब्रांड वर्क भी 9 मिलियन मारे हुए हैं, एक पे 4 मिलियन गए हैं, 5-6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जो कि लोग नहीं देते. ब्रांड वर्क का मतलब आप जिसके 1 मिलियन व्यू आ रहे हो, ब्रांड वर्क पे 60,000 व्यू लाएगा. बट आई ट्राई मैक्सिमम. कई बार कैसे करते हो? व्हाट्स द स्किल देयर? बिकॉज़ स्किल्स इज यू डू योर ऑर्गेनिक कंटेंट एंड देन यू इंटीग्रेट द ब्रांड. बट दैट्स वेरी हार्ड. दैट्स हार्ड बिकॉज़ ब्रांड मैनेजर्स डोंट अग्री. ओह दैट्स हार्ड. नहीं, इतना हार्ड नहीं है. आप क्रिएटिवली हार्ड? हाँ. वो तो यार नहीं लगता इतना. नहीं लगता आपको? मतलब पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि हो जाता है इंटीग्रेट ना दुनिया में ब्रांड. प्लस द काइंड ऑफ ब्रांड्स दैट want to come on social media, mostly 80% of brands. आपको razor बेचना हो, कैसे करोगे आप? तन्मय ने for example idea दिया कि वो Instagram पे एक hairball नाम का account खोल देगा. Kenny ने बोला कि वरुण मैया और Kenny, someone said that he will get WWF type engagement and get two people to fight with each other with showing razors that shave the chest. Like it was very strangely out there kind of ideas. How would you kind of sell something like a 99 rupee razor in your ecosystem? भाई मैं तो रील बनाऊंगा उसकी, जिसमें मैं 5 बेसिक ऑब्जर्वेशन डालूंगा कि हमारे पापा को क्या क्या दिक्कत होती थी वो ब्लेड ऊपर पड़ के गोल गोला घुमा के बदलने में और वो सब करने में. तो यू डू 5 जोक्स अराउंड हेयर, लड़कों के बाल के ऊपर की नाक के कब तक ये तोड़ते रहोगे, डाल अंदर ट्रिमर, या कब तक बेचर अंकल लड़की ने किस करना शुरू करा, आपके यहाँ के बाल बीच में आ गए तो मार दे रहे. तो आई डू बेसिक ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर अराउंड दैट एंड देन आई इंटीग्रेट, बिकॉज इसमें शेयरिंग अच्छी होती है. लोग जो शेयर कर रहे हैं, मतलब व्यूअर को पसंद नहीं है कि कुछ बेचा जा रहा है उसको. नहीं यार, आप देखो ना, एक लड़की है धरना, पता है आपको? बहुत सही लगती है. तो उसका क्या स्मूथ इंटीग्रेशन करती है यार, वो मजा आता है. Really? वो उसका आप इंटीग्रेशन देखो, उसके इंटीग्रेशन में मैं बता रहा हूँ, मेरे 2-3 अभी हमने करा किसी का, लाइक आई डोंट नो, यू कैन यू पुट ब्रांड नेम सर? नो. ऑफ कोर्स. अभी हमने एक बिग बास्केट नाव का करा, आप लगा लो, द वीडियो वाज अबाउट कन्विंसिंग माय फ्रेंड टू मूव बैक टू इंडिया. ओके. तो वो आई शॉट दैट वीडियो इन US. कि फिर देन आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग. इतना यार शांति है, बिल्कुल मजा नहीं आता, वहीं मजा आता है. यहाँ पे देखो हर चीज पे कॉफी पीनी पड़ती है, चाहे समझ लो 4-5 जोक्स अराउंड दैट. एंड देन वी लाइक कि क्या यार, यहाँ पे मैं जो रात को भूख लग रही है, खाना भी नहीं मिल रहा, इंडिया में 10 मिनट से बिग बॉस के नाव से खाना आ जाता. तो ये कितना स्मूथली लाइक विद इन द थीम इट कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, हाँ फिट हो गया. फिर जैसे हमने किसी फैन का करा था, तो देन वी डिड जोक्स अराउंड प्रॉब्लम विद द फैंस, इसको साफ करना पड़ता है, इसको वो करना पड़ता है, और जो एक्चुअली लोग करते हैं घर पे. करेक्ट.
सो पीपल लाइक सडनली ब्रांड महाराम ज्यादा पर दे आर लाइक अच्छा है तो चलो शेयर कर देते हैं. सो आई वी डू रिलेटेबल कंटेंट अराउंड ब्रांड्स. इशू वो आता है जब ब्रांड ना मानता नहीं है, उनको लगता है सब ठूसते हैं इसके अंदर. हमारा ऑफर भी बता दो, हमारा 10 मिनट का भी बता दो, अब हमारे पे 50% वन प्लस वन भी मिल रहा है. मैंने कहा भाई तू ये सोच, तेरे पास 1 मिनट का टाइम है, तुम्हारा ये काम इट शुड बी योर ओवर हेयर. यू शुड नॉट बी सेलिंग योर स्टफ ओवर हेयर, यू शुड बी जस्ट पुटिंग द नेम ऑफ योर प्रोडक्ट इन टू द हेड. करेक्ट. वो कल खरीद लेगा बंदा यार, परसों उसको जब जरूरत पड़ेगी उसको दिमाग में अगर आएगा अच्छे कॉन्टेंट ले लेगा. द ब्रांड मैनेजर विल हैव सम CMO, that CMO will have some CEO, the CEO will have some board member, everyone will have some targets. समझ नहीं आता ना. All those targets will come into this 50 seconds. पता नहीं क्यों आते हैं. एक तो कपड़े मेरे को तो समझ नहीं आता. हमारे ब्रांड का कलर है हरा पहन लो लाल पहन लो. अबे पागल है क्या यार, कंटेंट पे ध्यान देना यार. I completely agree. है ना? I completely agree. और मैं तो एकदम बेशरम की तरह इसमें मेरे को Zomato is a good brand I think. They are like, but मैं तो उनको roast कर रहा था. कई लोगों को पता नहीं होगा, बता देता हूँ मैं. ब्रांडेड वीडियो था Zomato रोस्ट, पीपल डोंट रियलाइज. सो आई लॉट ऑफ माई वीडियोज दैट वी डू दे आर ब्रांडेड, बट वी राइट लाइक गुड जोक्स अराउंड दैट. करेक्ट. टॉपिक लाइक वी राइट फुल 15-20 मिनट्स ऑफ जोक्स एंड देन वी, जैसे मैं कई बार स्टैंड अप वीडियो करता हूँ जो ब्रांडेड. अभी तक आपको, अगर आप मेरा चैनल देखोगे, अब मैंने बता दिया तो मे बी यू नो, बट नॉर्मली यू वुड नॉट नो. ब्लॉग्स पे देखा है मैंने, स्टैंड अप ब्लॉग में तो पता चलता रहा, हे गाइस मामा मुंह धो रहा हूं क्या. करेक्ट. और उसमें मैंने वो ऑडियंस को आदत डाल दी कि आई आपको पता है ना भाई नहीं हो यार ब्लॉग चलेगा कैसे. आई थिंक द वन रियली, आई डोंट नो whether it was branded or not, but Busty is that urban clap का जो वैक्सिंग वाली जो दो लेडी आई और कितना अच्छे से गया ना उसका, क्योंकि उसका ऑलरेडी कंटेंट था उसके अराउंड. And then it blended so well with it. Haan. Even Raymond, the food farmer guy, उसने भी Urban Company का. So Urban Company, for example, gets it. जो established brands है, where there is like a full process of. जहाँ family अब बड़ी बन चुकी है. वहाँ मुझके उनको नहीं समझ आता है, उनको लगता है हमारा ऐसे चले वैसे चले. So that's the thing. I think this is a lesson for brand managers also. Yeah. That when working with creators, I think the brand has to adapt to the creator universe, not the other way around. हाँ नहीं मानते ना वो, स्टार्टिंग में जब कॉल होती है ना हमारी तो उसपे तो यस कोरा वी रियली वांट यू टू डू दिस, वी आर लुकिंग फॉर बिकॉज़ वी लव योर कंटेंट एंड यू हैव अ फुल लिबर्टी, ये लसन लसन सब बोल देंगे. फिर उन्हें लिख के भेजो, ओ आई थिंक दिस इज लिटिल अग्रेसिव कोरा, कैन यू लेस, कैन वी टेक द नेम ऑफ द ब्रांड 2 times, कैन यू पुट इट इन इनिशियल 10 seconds, क्योंकि उनको कहीं से मैट्रिक्स आता होगा कि 10 सेकंड में ड्रॉप टाइम है भाई, उसी में बुलवा लो, उसी में बुलवा लो नाम. तो फिर क्या करूँ, जब पैसे ले लेता मैं ऐड कर यार खत्म कर. जब व्हेन मैनेजर डजंट शो इंटरेस्ट फिर उसका आता, फिर मैं आई जस्ट गिव अप इन 2 times कि ठीक है भाई तू नहीं मानने वाला. अब मेरे पास इतना दिमाग नहीं, मैं तेरे को समझाऊं. व्हिच ब्रांड डू यू लव वर्किंग विद, लाइक डू यू गेट अ लॉट ऑफ रिपीट वर्क विद द सेम ब्रांड? या कितना मैं मैनफोर्स के साथ कर रहा इतना काम, इतना कंडम तो मैंने यूज नहीं करा जितना जितना मैंने मैनफोर्स. मेरे घर में पता कम से कम 10-20-30 डब्बे कंडम पड़े रहते हैं हमेशा. तो कोई आगे क्लीनिंग लेडी को चेक करी, भैया क्या हो रहा है. दे आर अ गुड ब्रांड टू वर्क विद, मतलब वो चिल थे थोड़े इस मामले. और Zomato के साथ मजा आया, Zomato के साथ 3-4 बार काम करा है. और किसके साथ करा है? But you also enjoy working. Big Basket Now के साथ 3-4 reels I've done. Yeah, I also enjoy because they are not very restrict. These are not very restrictive people. They also enjoy. मतलब उनको ही मजा आता है कि हाँ करो भाई, टाइम पास चल रहा है. आप देखो ना कितना स्ट्रॉन्ग रिकॉल बना दिया है Zomato ने अपना. Crazy. They have and I roasted them. I said bad things about them, but it did well for them. I think from Akshar Pathak, जो उनका main. Akshar कहाँ चला गया? भाई आपको पता है, जानते हो उसे आप? यार बहुत. भाई मैं उसे पता है कब से follow करता हूँ, वो साला गायब हो गया दुनिया से. तब मैं वही बोल रहा था main episode में. तब मैंने बोला है that he also said the same thing that we don't know where he is gone. हाँ. But he is spending time raising his children, and the fact that none of us know how to get to him means it may be purposeful. So he's actually keeping a low profile on purpose. मर तो नहीं गया? नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत I loved, मतलब उसका, मतलब मैं I'll give it to him, वो नाचा नहीं भाई कभी. रील चलती रही, इसने कहा भाग मैं अपना वो पोस्ट वाला ही करूंगा, and I loved his. But new age content, social, I think he understood it very well. Yeah, very well, very, बहुत अच्छा करता था, बहुत अच्छा, like, one guy that you would learn from in those days was Zomato. He was the first guy for Zomato, right? First, 2010-11 में उसने social crack करना चालू किया. हाँ, अच्छा, इतना पुराना है वो नहीं? मतलब I think I saw him in 15, 16, 17 type. हाँ. He was active till 2020-21. COVID तक. हाँ. And then he became a dad, and I think that's when he said क्या रहा. उसने कुछ business भी start करा था, I remember some okay. business he started, some I think pet food, some pet related business he started. Okay, that. Now I don't know. I don't know him directly. I know him through people. I know Dipinder or some of these Zomato folks. I know him through them.
बट इवन फुल फॉर एग्जांपल जोमेटो का पूरा अफिलिएट हैज नाउ बिकम अ बिग चैनल फॉर अस. हम लोग बेचते हैं, आप ऑर्डर करते हो जोमेटो पे, जब आप ट्रैक करते हो ना तो उस ट्रैक वाले स्क्रीन पे यू विल सी एड्स ऑन टॉप. अच्छा अच्छा. एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल फॉर आवर कंपनी. ओके ओके. कल वो टीम आई थी कि यार इस एड में हम और क्या कर सकते हैं, आप तो सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हो, यहाँ पे ब्लिंकिट पे भेज सकते हैं क्या फॉर एग्जांपल, या फिर कैन वी डू सम वीडियो कंटेंट. सो दैट इज अ वेरी थॉटफुल ऑर्गेनाइजेशन, क्विकली लाइक दे मूव फॉरवर्ड, बट देयर मार्केटिंग इज अमेजिंग. वो भी है ना, वो भी तो फेल होते होंगे ना 10 जगह पे, फिर एक सक्सेस मिलती होगी. अब बाकी हो गया कि भाई अभी ही करना, तो यही रील जाए, इससे मैं करोड़पति बन जाऊं, इससे सब बिक जाए, मेरा माल खत्म हो जाए, ऐसे कभी नहीं होता. जोमैटो को ये भी लगता है मेरे को सही कि they have become a public company in last 2 years. They also got a lot of flack. Yeah, yeah. Unko profit profitable nahi ho, ye hai, wo hai. There's a lot, but now, like... I think last year bana diya na, thoda kam profit banaya, but... They... Banaya, profit banaya. Now, Blinkit is profitable. Now, the collective company is worth a lot. तो दीपिंदर अमीर आदमी है, मिलियनेयर हो गया तो अब. सही है, सही है. अच्छा, बट वेरी क्लियर, वेरी वेरी फोकस्ड एंड सही है. सो वेरी गुड. सो देयर आर लर्निंग्स वेरी क्लियरली, राइट? सो देयर आर लर्निंग्स फॉर क्रिएटर्स on process, whether it's through instinct or whether it's through effort and preparation, there are learnings around patience. Yeah. You should wait and kind of keep building slowly. Yeah, yeah. Consistency is the key, जो word है ना, वो मैंने YouTube में और इसमें आके सीखा है. देखो हमारे comedy में भी ना, lot of comedians are one video viral. Initially that you were talking about, correct. Some people became viral really early. Correct. And there are people who are one video, एक डाला और फट गया and then it was for them. जबकि हमने भी डाला, जैसे मेरे से immediate value उपमन्यु ने डाला था. हाँ. उपमन्यु बिकेम सुपर वायरल. एंड उसका कौन सा था वो? आई थिंक दिल्ली मुंबई वाला कोई जोक था, स्टार्टिंग 2015-17 की बात है. एक महीने पहले उसने डाल दिया था, तो फिर एक महीने बाद मेरा डालना था, और मैंने और उपमन्यु ने सेम, जब उसने जो उसने भी डाला वो शो में, मैं और उपमन्यु दोनों थे. अच्छा. मतलब वो लाइनअप शो था कैनवस लाफ क्लब मुंबई में ही. मैंने कहा अरे मैंने भी तो सेम ही किल करा था भाई. और मैं वो हो गया, मैंने कहा चलो भाई वायरल होना है अगले महीने, क्या करूँ मैं. शेयर बोला शेयर तो फेमस हो जाऊंगा, क्या ये दिक्कत है शादी. सब चल रहा है भाई. अरे भाई मैंने वीडियो डाला, चले चला ही नहीं बिल्कुल. ओ भाई वाज डिसहार्टेंड फॉर अ वीक. And this only long form ही था ना? Long form था, हाँ सिर्फ. And then I put out another video, then that did well, but not crazy well, that did fine. I'm like चलो कुछ तो चला. फिर तीसरा डाला, चौथा डाला, पांचवा डाला. वायरल कैसे होता था 2015-2016 में? व्हाट्सएप पे शेयर होता था क्या? व्हाट्सएप पे शेयर होता था. लाइक यार वायरल जब होता है ना, इंसान को पता चल जाता है हो गया. अब मुझे नहीं पता क्या तरीका है. जैसे मेरे जो जो वीडियो वायरल हुए हैं ना, वो सब पता, यू नो दैट इट हैज गॉन वायरल समहाउ. यू नो लॉट ऑफ पीपल सेंड इट टू यू, यू सी पीपल टॉकिंग अबाउट इट, यू सी योर रैंडम फैमिली मेंबर्स मैसेजिंग, अरे ये वीडियो आया है. तो उस टाइम पे हाँ, व्हाट्सएप वायरल्स यूज टू बी द थिंग, बट यूट्यूब ऑल्सो यूज टू गिव यू लाइक बिग व्यूज, पीपल यूज टू टॉक अबाउट इट, द मोमेंट यू विल पुट आउट शो इट विल बी सोल्ड आउट. करेक्ट. तो दैट यूज टू हैपन. फॉर मी इट हैज बीन वेरी ग्रेजुअल. सो इनिशियली सम वीडियोज वर्क्ड, आई गॉट 30 ऑडियंस, देन आई पुट आउट अ स्पेशल ऑन Amazon, देन 30 बिकेम 50-60. Then I put out 3 more videos that did very well for me. Some ek mera acha noble wala video tha, wo kafi chala tha. Then that 50 became 120, 150. Then after COVID I did vlogs. Then that 150 became 300. Then I did reels. Then that became 600. Then 1000. To ab jaake wo 10 saal mein bhai wo karte karte dead, matlab main city mein I sell good enough number. Correct. To mera gradual raha. To main isliye kehta hu bhai lage raho, ek video viral ya ek kaam viral nahi hoga. वो आग लो, ठूस दो. अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कूड़ा डाल रहे हो. एक बेसिक क्वालिटी मेंटेन कर लो. सो माय क्राउड वर्क वीडियोस, आई नो दे आर नॉट वेरी, सम ऑफ देम आर नॉट वेरी गुड, बट आई नो इवन इफ इट इज 80% ऑफ द वीडियो दैट आई एम सैटिस्फाइड विद 80% ऑफ, अगर मैं इसको 100 में से 75-80 नंबर दूंगा तो मैं डाल देता हूँ कि एटलीस्ट वीडियो इज गोइंग आउट, फ्यू आई विल बी, कुछ नए लोग ढूंढेंगे, कुछ जल जाएगा, देखो ना देखी जाएगी डाल के. तो वो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ. देयर सो मच टू लर्न, कंसिस्टेंसी इज पुटिंग इट आउट देयर. Also, like having a plan B, I really like the point you made, gear. Hamesha plan B rakho, because there's no point in romanticizing struggle, especially in the creative field. Like, aap 10 ghante lagaoge, to 10 ghante ka effort milega aapko. Haan, yaar, wo hota nahi hai. Kahi logon ne to kam struggle kara hai, but they got famous very fast, na? Correct. पर कई लोग बेचारे लगे पड़े. I know comedians who have been doing it for since 2010. I know comedians who have like 2 million subscribers on YouTube, and they go out to sell tickets with 30 tickets. मतलब? वो कन्वर्ट नहीं होता नंबर ना. वीडियो वायरल होना और बंदा वायरल होना अलग बात है. इज इट? या वीडियो तो बहुत वायरल होती है. वीडियो आप 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube, यू गो आउट एंड डू शोस, 40 टिकट्स, 50 टिकट्स, व्हाट आर यू सेइंग? या इट मे बी नॉट, ये भी ज्यादा बोल दी शायद मैंने. कई सिटीज में ऐसा होता है यार, वो 10 साल पुराने वायरल है वो लोग, और देन दे वर नॉट कंसिस्टेंट
एंड इवन इफ दे वर कंसिस्टेंट दे डिडंट पुट आउट गुड वीडियोस दे डिडंट पुट आउट गुड कंटेंट टू कीप पीपल एंगेज्ड तो नॉट यू डोंट इट डजंट कन्वर्ट दैट इजीली समझ लो तो एक जैसे वीडियो चलना इज डिफरेंट गेम वीडियो बहुत फैक्टर्स पे चल सकता है करेक्ट ठीक है जैसे कैसे बताऊँ एक मैंने कोई तो रील डाली थी शादी की कि मेरे को लिफाफे मिलते हैं बट दैट वाज लाइक अ रेगुलर ऑब्जर्वेशनल जोक और वो मेरी टिकट कभी नहीं भेजेगा पर वो वीडियो इतना ऑब्जर्वेशनल था वो 12 मिलियन 15 मिलियन और मैंने जब बाद में जाके यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखा तो 20-22 मिलियन पे है इधर उधर चैनल से चल रहा है पर दैट डिडंट सेल टिकट्स फॉर मी टिकट मेरे लिए किसने भेजी एक मेरा सुशी का वीडियो था उस पर 3 मिलियन व्यूज है मेरे पेज पे बट अभी भी लोग पीपल मीट एंड दे रिलेट फूड काइंड ऑफ ह्यूमर विद मी तो ऐसा होता है एक वीडियो वायरल हो जाते हैं बट आपको पर्सनालिटी वायरल होना या उसकी पॉपुलैरिटी तो इतनी अंधाधुन है But when you see the commercial success, it will not come. It will come through your good work only, which is adding kuch value to someone's life. जैसे हमारे life show में लोग क्यों आते हैं? उनको लगता है एक घंटा मस्त अपना spend करेंगे जिंदगी. मजा आ रहा है देखने में इसे, है ना? आप online आपने देखे होंगे क्या-क्या आजकल viral हो जाता है? उनको नाम लेना पसंद नहीं है, पर people get 20 million, 30 million views. But when you convert it to कैसे बताओ अनिर्बान इज अ वेरी गुड यू नो अनिर्बान दास गुप्ता इज अ कॉमेडियन करेक्ट मुझे याद से याद है 5-6 साल पहले जब चश्मा गया ना चश्मा नहीं पहनता अनिर्बान अनिर्बान यस अनिर्बान या ऑफ कोर्स द बंगाली गाया इंग्लिश ही डज नाउ ही डज इंग्लिश हिंदी मिक्स उसका आफरीन करके एक वीडियो था आफरीन आफरीन के ऊपर उसके कोई व्यू नहीं थे 9 लाख व्यू पे था वो बंदा बट इट वॉज सच अ गुड वीडियो इट वॉज सच अ क्वालिटी कॉन्टेंट दैट इट कन्वर्टेड टू 500-600 टिकट सेलिंग And at the same point in time, everyone's videos were hitting 3 million, 4 million. But when you would convert it to ticket sales, it was nothing. So, ek wo bhi rehta hai ki consistent dalo, par ek basic quality check karke dalo. Jabardasti kuch bhi mat thuso. Also, the audience has to be like... Yeah, and audience has to accept you as a person. You can't be an asshole and then accept audience or brand managers to give you... Correct. Work. So, you're not playing to audiences who will come to your shows. You're playing to brand managers... Who'll kind of give you work to kind of sustain your doing stuff? Actually, brand manager the audience hi hai na. Hamari audience mainly yahi wali hai. Correct. But for example, for us, we also when we work with creators or we work with collaborators, we want to see the kind of audience. We would much rather have someone with 100,000 followers. Yeah. Work like high jo quality. Jo aap cater kar rahe na. Jo hamari customer ban sakta hai. Go to 5 million, who might not be. हाँ, exactly. वही मैं बता रहा हूँ. वही मैं बता रहा हूँ. तो जैसे आप देखोगे कमर्शियल वाइज भी आई डोंट नो अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स हु हैव लाइक गुड फॉलोइंग गुड एंगेजमेंट जैसे किसी का 1 मिलियन है उसका 5 मिलियन वाला ज्यादा कमर्शियल होता है कई बार आपको आएगा ऐसा क्योंकि वो 5 मिलियन कहाँ जा रहा है वीडियो दे आर नॉट योर ऑडियंस दे आर नॉट यू आर नॉट सेलिंग योर स्टफ ओवर देयर तो वो मे नॉट हैव द परचेसिंग पावर आल्सो ना इंडिया इज अ वेरी लाइक अ वेरी डिफरेंट कंट्री बढ़िया बट गौरव Thank you and you know your hospitality. Uh-huh. You have such a lovely. तो कुछ मैंने खिलाया नहीं पर ठीक है. नहीं but I think just like on a random day just allowing us to come and set up this in your house and also most importantly for sharing so honestly and you know transparently your process. Yeah. I'm hoping it will be helpful to all our Razorpreneurs and even any viewer of the barbershop. And when you come to Gurgaon even before that, we would love to host you at our office. But wish you the best in your career, in your endeavors, in your real estate investments. But thank you so investment much. Investment नहीं एक ही लिया घर. ठीक है. Thank you so much. Thank you. Pleasure. Wonderful talking to you. Thank you so much. सारे आशीर्वाद दे दिए उन्होंने मुझे.